हम लोगों ने पूरा मेडिवल हिस्ट्री देखा कि कैसे एम्पायर सब खड़े हो रहे हैं, उसे आज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, नए एम्पायर क्रिएट हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि कुछ एम्पायर जो है वो लंबा टिक रहे हैं, कुछ एम्पायर जो है तुरंत खत्म हो जा रहे हैं। जैसे कि बात करें यदि हम सैयद डायनेस्टी की, तो बहुत छोटे समय के लिए था, लेकिन फिर यदि हम बात करें वहीं पे मुगल के लिए, तो मुगल ने बहुत समय तक राज किया है, लगभग 200 साल के आसपास। तो ऐसी स्थिति में उसने इतने टाइम तक शासन किया है, तो कुछ ना कुछ तो उसने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी किया होगा, वहां पर आर्ट एंड कल्चर का भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा। तो उसी डेवलपमेंट को देखेंगे आज हम लोग कि कैसे कैसे क्या क्या चीज डेवलप हुआ है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठो। ऑल्दो मैं यहाँ पे आपको नितिन सिंघानिया से पढ़ा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो मैं आपको अलग से दूंगा, इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? आप उसमें हेडिंग जो है वो नोट करके जाना, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर को देखेंगे कि आखिर दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर था कैसा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 1206 ईस्वी में, ठीक है? और सबसे पहले कौन आता है वो सब हम लोगों ने देख लिया। अब ये देखते हैं एक्चुअल में किस प्रकार का इनका हुआ करता था आर्किटेक्चर, ठीक है? एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि आखिर क्या क्या ये लोग किस किस प्रकार का ये आर्किटेक्चर लेके आए हैं। तो सबसे पहले सोचने वाली बात है, ये तो थे आक्रमणकारी, बाहर से आए थे, तो ऑब्वियसली ये लोग अपने तो लेकर के आए नहीं होंगे, ठीक है? जितने भी कारीगर हैं वो इनके तो होंगे नहीं, ये सारे कारीगर होंगे किसके, भारतीय कारीगर, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये पहली पहली बार आएंगे तो इन्हें कुछ ऐसी बिल्डिंग चाहिए होगी जो कि इम्पोर्टेंट बेसिस पे इन्हें अभी के अभी चाहिए, ठीक है? जैसे अगर मान लो तुम किसी नई जगह पे जाओगे, ठीक है, अब तुम्हें पूजा करनी है, तुम डेली पूजा करते हो, वहां पे कोई मंदिर नहीं है, तो तुम पहला काम क्या करोगे, तुम मंदिर बनवाओगे अपना? तुम पहली पहली बार गए हो वहां पे, पहले किससे नहीं है कोई मंदिर, तो मंदिर बनवाओगे। ठीक इसी प्रकार इन लोगों ने भी वो काम किया था, ठीक है? सबसे पहले इन लोगों ने मंदिर नहीं, इन लोगों ने मस्जिद बनवाया था, क्योंकि इससे पहले ये थे नहीं उधर, तो वहां पे उन्हें मस्जिद की आवश्यकता पड़ी, मस्जिद वगैरह बनवाया। उसके बाद फिर धीरे 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 इन्होंने अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग्स बनानी शुरू की, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ अलग अलग ये लोग लेकर के आए चीज सब। जैसे डेफिनेटली जब हम कभी बाहर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, तो अपनी कुछ यूनिकनेस लेकर के आता है, या आप अपनी कुछ यूनिकनेस लेकर के जाते होंगे। आज जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरे पढ़ाने में कुछ यूनिकनेस नजर आता होगा, है ना? अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आपके पढ़ने में कुछ यूनिकनेस नजर आता होगा। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल है, मुझे ये यूनिकनेस नजर आता है कि जनरली कोई बच्चा 4 बजे नहीं उठता, बट यू आर डेडिकेटेड, ठीक है? इसलिए आप 4 बजे उठ रहे हो, ठीक है? तो ये यूनिकनेस लेकर के आए हो, तो ये बात हर किसी में नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर जैसे आप सपोज करो कि बाहर से कोई आक्रमणकारी आया भारत, भारत में आकर के देखा, उसने देखा यहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी जबरदस्त जबरदस्त बिल्डिंग सब है, हमें भी ऐसा बनाना है। क्योंकि यदि आप देखोगे ना, तो पूरे प्रशिया वगैरह में, पूरे अरब वर्ल्ड में आप कहीं भी ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? तो भारत में ही वो सारी चीजें थी, तो उन लोगों ने यहाँ से आकर के बड़े इंस्पायर की पुत्री, भाई ये तो बड़ा जबरदस्त है, हम भी ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन दिमाग में थॉट क्या था, दिमाग में थॉट ये था कि अपने अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे देखो मैंने एक ग्रुप तो बनाया, ठीक है, आप लोग को साथ में जोड़ा, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 4 बजे उठोगे तो क्लास होगी, ठीक है? सब बच्चे सब मना कर दिए, 2 बच्चों ने हाँ किया था स्टार्टिंग में, पर उसमें भी एक जो है वो नहीं आ पाया, ठीक है? एक दो दिन आया, उसके बाद आना उनका पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन एक ने कंटिन्यू किया, ठीक है? ठीक इसी प्रकार क्या होता है, वो लोग भी अपना सोचे कि भाई मुझे अपना करना है, अपना इसमें कुछ एलिमेंट लेकर के आना है। एलिमेंट अपना क्या होगा, जैसा आपने उधर देख रखा होगा, अपने उधर क्या देख रखा था, इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है? तो ये लोग यहाँ पे भी इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? अब देखो ये सब ना कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखने हैं, बेसिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्या है, आपको अगर इनिशियल बेसिस पे तुरंत का तुरंत आपको अगर मस्जिद चाहिए, अब किसी बिल्डिंग को बनाने में समय तो लगता है। अब यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करवाने में कुछ समय तो लगेगा। जैसे कि यदि हम बात करें तो अब कितना टाइम लगता है मुझे, अभी तक सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री कवर हुआ है, अब शायद मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, और फिर धीरे 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 करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स होंगे, इकोनॉमी होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, तो इसमें काफी सारा टाइम लगेगा। तो इनिशियल बेसिस पे मैं क्या करूंगा आपको, ठीक है, क्या कर सकता हूँ? पढ़ाई तो ऐसी चीज है कि कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आर्किटेक्चर ऐसी चीज है कि कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, जितने मंदिर वगैरह हैं उनको तोड़ करके इस तरीके से डिजाइन कर दो ताकि वो मस्जिद लगने लगे। जैसे कि मंदिर के ऊपर लीपा पोती करो,
ठीक है, मंदिर के ऊपर लीपा पोती कर दो हर जगह, और उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दो, उसमें मूर्तियों को तोड़ करके फेंक दो, ठीक है, और जो बाकी आर्किटेक्चर है उस पर कुछ अरबिक में लिख दो, और ये बन गया आपका मस्जिद, ठीक है। यही हुआ है इनिशियल फेज में। जैसे कि यदि हम बात करें तो स्लेव डायनेस्टी के ही टाइम पे आपको देखने को मिलता है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसकी फोटो दिखाता हूँ, अगर अवेलेबल होगा तो, 2.5 दिन का झोपड़ा की। ये क्या होता है कि ये 2.5 दिन में बना लिया जाता है, ठीक है, 2.5 दिन में बना लिया जाता है ये। और बेसिकली आप यहाँ पे आके अपनी इबादत करो, ठीक है। ये देखो, ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये 2.5 दिन में तैयार किया गया। अब आपको लगता है पॉसिबल कि 2.5 दिन में तैयार किया गया होगा? नहीं हो सकता, ये पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ फोड़ करके इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसे बना लिया गया। क्या 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन में बन गया तो झोपड़ा टाइप ये बन गया, तो झोपड़ा बना था 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक इसी प्रकार ना और चीज सब ऐसी बनाई गई। इसमें कुछ और खास बात थी, हम लोग वो खास बात और देखते हैं कि और क्या क्या खास बात थी। जैसे देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर इंडो इस्लामिक स्टाइल बनने लग गया। अगर ये इस्लामिक कैरेक्टरिस्टिक लेकर के आए हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय टच भी तो रहेगा ही रहेगा, आप उसे निकाल नहीं सकते। लेकिन इस्लामिक टच क्या और भारतीय टच क्या, वो हमें देखना है। देखो, इस्लामिक टच में जानवरों की शक्ल बनाना, इंसानों की शक्ल बनाना हराम है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी मूर्ति वगैरह होंगे उन सबको तोड़ दिया जाएगा, या फिर अगर कोई नई कंस्ट्रक्शन की जाएगी तो उसे मूर्ति वगैरह नहीं होगी, ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपको डेकोरेशन तो करनी है, तो डेकोरेशन करनी है तो आप उसे फूल पत्तियों का प्रयोग करोगे, आप इसमें अरेबिक लेटर्स का प्रयोग करोगे, आप इसमें कुरान के वर्सेस जो कुरान में आयतें लिखी हुई है उसका प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ये प्रयोग आपको करना है, ये है इस्लामिक आपका आर्किटेक्चर का स्टाइल। अब इंडियन आर्किटेक्चर का स्टाइल कैसे है यहाँ पर, ये समझने वाली बात है। इंडियन में आपको कमल का फूल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कमल के फूल का बहुत अधिक प्रयोग होता है, घंटी का प्रयोग होता है, बाकी इस प्रकार के कुछ प्रयोग होते हैं। तो ये क्या है, इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो दोनों का हो गया कल्मिनेशन, दोनों साथ में जुड़ गया, ठीक है। और इस तरीके से बना कुछ अपना पहला इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें एक और चीज है, भारत में जब हम लोगों ने मंदिर पढ़ा था तो कैसा पढ़ा था, मंदिर में विमान होता है ऊपर की तरफ ऐसे, है ना, पढ़ा था। इसमें क्या होता है, हमारा ये डोम नहीं होता। आप इस्लामिक आर्किटेक्चर को देखोगे तो जितने भी आपको मस्जिद दिखाई देंगे उसमें डोम जैसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। डोम क्या होता है, बेसिकली एक सर्कुलर टाइप, एक राउंड टाइप एक शेप, एक घंटी नुमा शेप दिखाई देता है आपको, जो कि क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। ये क्या है, अंदर से देखने में आपको बहुत ऊंचाई प्रदान करता है, उत्तरी इतना ऊंचाई आप एकदम ऊपर की तरफ देखते रहोगे, ठीक है। ये चीज आपको डोम होता है, ठीक है। इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में डोम आपको देखने को नहीं मिलता। अच्छा, इंडिया में क्या मिलता है, पत्थर के ऊपर पत्थर जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है, पत्थरों को जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, वो क्या होता है, वो खोखला होता है उनका जो होता है डोम, ठीक है। ये आपने कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे एक्चुअल में, हाँ, इसमें और कुछ चीज होता है, जैसे कि आर्क होता है, डोम होता है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो खिड़कियां वगैरह देखोगे तो कैसे होते हैं, अब कैसे होने लग गई इनकी, ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये इस प्रकार का। आज आप मंदिर का भी कई स्टाइल देखोगे इस प्रकार का, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, इसे कहते हैं आर्च, और ये क्या है, इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर नहीं है, ठीक है, ये इंडियन आर्किटेक्चर नहीं है। इसके अंदर आपको साईं बाबा रखते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं है, ये है इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, या फिर आप इसे कह लो इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ठीक है। अब हम ना देखेंगे एक्चुअल में कि अलग अलग डायनेस्टीज ने किस प्रकार से इसे अपना काम किया है, कैसे इसे बढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक चीज बताया कि फ्लोरा यहाँ पे फूल पत्तों से बनता है। एक और चीज क्या है, जिमेट्रिकल शेप्स भी हमें देखने को मिलता है, लाइक सर्कल देखने को मिल गया हमें, ट्रायंगल देखने को मिल गया। आप सजाने के लिए आप कुछ तो करोगे, स्टार देखने को मिल गया, ट्रायंगल देखा आपने, स्क्वायर देखा आपने, बेसिकली जिमेट्रिकल फिगर्स जो है वो उसका प्रयोग करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इन लोगों ने ना बिल्डिंग में कलर का यूज किया, जैसे कि रेड और येलो। अब आप कहोगे कलर उस टाइम पे कलर था क्या, मैं कहूंगा देखो कलर तो वैसे
था, लिमिटेड क्वांटिटी में था, बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, येलो एंड रेड सैंडस्टोन का यूज किया है, यानी कि बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है, पीला और लाल बलुआ पत्थर का। एग्जाम्पल आप देखो ना, जो आप लाल किला कभी अगर गए हो या देखो हो देखे हो तो कैसा लाल कलर का दिखाई देता है, क्या वो लाल कलर उसमें पेंट किया गया है? नहीं। तो क्या है वो एक्चुअल में रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। मार्बल का भी प्रयोग किया गया, किंतु कम किया गया है। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ पहला फेज जो था दिल्ली सल्तनत का, उसका आपको मार्बल का प्रयोग का एक्सटेंसिव यूज देखने को मिलेगा शाहजहां के टाइम पे, मुगल आर्किटेक्चर के समय में। उससे पहले आपको मार्बल का बहुत अधिक उपयोग होता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे। और कोई इसके फीचर्स हैं इसमें? हाँ देखो, एक क्या है, इधर इन लोग को ना जब ये आए इधर, तो अब आप पूछोगे कि ये लोग डोम क्यों बनाए, ठीक है, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि भारत में आए तो इन्होंने डोम क्यों बनाया, ये लोग भी शिखर बनाने लग जाते हैं, तो डोम बनाने का क्या क्या प्रयोजन था, ये क्यों बनाया गया डोम? अगर आपको ये पता होगा ना, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी कोई चीज सब, ठीक है। देखो इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम में होता है कि एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, ठीक है, ये 5 लोग हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, ये 4 लोग, 5 लोग, बेसिकली ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 5 वक्त की नमाज अदा करनी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये बहुत बड़ा स्पेस चाहिए जहां पे ये लोग जो है खड़े होकर के बैठ करके ये लोग नमाज कर पाए, ठीक है। अब इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या होता है कि बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, आपने देखा होगा, हमने जितने भी मंदिर वगैरह देखे सब में पिलर्स खड़े होते हैं, सब में क्या होता है, पिलर्स खड़े होते हैं। अब यदि पिलर्स खड़े होंगे, आप इमेजिन करके देखो, यहाँ पे एक पिलर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक पिलर खड़ा है, यहाँ पे एक पिलर खड़ा है, आपको बीच बीच में कई सारे पिलर अगर आपको खड़े हुए नजर आते हैं तो क्या होगा, आप इमेजिन करके देखो क्या होगा, इमेजिन यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, यदि यहाँ पे कई सारे पिलर होंगे तो जो सामने खुतबा पढ़ रहा होगा, ठीक है, या सामने अगर कोई इनका वो दे रहा होगा, पैगाम दे रहा होगा कुछ, तो उसमें आपके बहुत सारे लोग नजर नहीं आएंगे, या फिर कुछ लोग जो है वो देख नहीं पाएंगे वो सामने जो प्रोसीडिंग चल रही है उसे, समझ आ रहा है? तो इसी कारण से इन लोगों ने कहा कि देखो भाई, हमें पिलर तो डालना नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि बिल्डिंग में स्ट्रेंथ भी बनी रहे, और ये जो है ये हम अपना एक साथ प्रेयर भी कर पाए साथ में इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के। तो उसके लिए क्या बेस्ट तरीका है, आप ये डोम बना दो, ठीक है, आप ये कई सारे डोम बना दो, अलग अलग डायरेक्शंस में डोम बना दो, डोम बना दो, डोम बना दो, और डोम बना दो, और उसके उसके ऊपर ना, मतलब आप यहाँ पे एक दीवार बनाओ, दीवार के ऊपर डोम रख दो, तो आपके डोम रखने से क्या होगा, छत भी बन गई, ठीक है, ये देखो दीवार खड़ी कर दी, दीवार के ऊपर आपने डोम बना दिया, इसके ऊपर आपको छत भी खड़ी हो गई, स्पेस भी ज्यादा नहीं लिया इसने, स्पेस बेसिकली अंदर तो पूरा का पूरा खाली ही है, ठीक है, और यहाँ पे मजबूती भी प्रदान हो गई सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका है रीजन, अगर आपको क्लियरली समझ ना आया हो तो यूट्यूब कर लें, यूट्यूब पे आप रीजन देख लें, क्योंकि आई एम नॉट आर्किटेक्ट, ठीक है, मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, और ना ही मैं यहाँ पे आपको 3D मेथड से समझा पा रहा हूँ, आपको समझना है इसे और डिटेल में तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नॉर्मल चीजें रट लेंगे, रटने से नहीं होता कभी भी, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया आप लोग को, एक बार बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। सुप्रभात छाया, सुप्रभात, यस ठीक है। देखो अब हम आएंगे स्लेव डायनेस्टी पे, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई है, तो स्लेव डायनेस्टी ने कैसे क्या अपना किया है निर्माण वो देखते हैं। ये देखो इसमें भी दे रखा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपका क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन में आपका तैयार हुआ है झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन के अंदर। ये देखो यहाँ पे क्या है, कई सारे ना आप इधर इधर, इधर देखो, ये अलाई दरवाजा है, ये अलाई दरवाजा है, आप इधर कुतुब मीनार के बगल में कभी जाओगे ना, यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, अलाई दरवाजा नजर आएगा, ठीक है, ये आपको अलाई दरवाजा नजर आएगा। अलाई दरवाजा की पता है खास बात क्या है, पहली बात तो ये खिलजियों ने बनवाई थी, ठीक है, तो हम इसे आगे देखने वाले थे, पर कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं इसे, हम दोबारा से एक बार देखते हैं, ठीक है, एक बार हम पहले इससे पहले का कर लेते हैं। अब ऊपर हेडिंग डालो स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के नीचे लिखो कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद लिखो, और दूसरा लिखो 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवत उल इस्लाम मॉस्क,
मैं आपको उसकी फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये आपकी मस्जिद है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। लेकिन इसे इसे कहाँ पे, इसे भी कुतुब मीनार के पास ही बनाया गया है, ठीक है। लेकिन ना ये बड़ी ही फेमस मंदिर थी, ठीक है, बड़ी फेमस मंदिर थी, और उसको तोड़ करके उसके मलबे से ये बनाया गया है। तो मंदिर को तोड़ करके बनाया गया। तो इनिशियल लेवल पे ना जो भी कुछ बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। तो मंदिर है, मंदिर को तोड़ करके उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये भी कुतुब मीनार के पास ही है। मैं पूछोगे कि आपने बताया 2.5 दिन का झोपड़ा, वो भी उधर ही है। ये जो है कुवतुल इस्लाम मस्जिद, वो भी इधर ही है। साथ में आपने फोटो दिखाई अली दरवाजा का, ये भी उधर ही है। तो आखिर कुतुब मीनार के आसपास ही क्यों बन रहा है सारा, कोई जवाब दे सकता है? और कुतुब मीनार भी वहीं पे है, कमाल की बात है कि कुतुब मीनार भी वहीं पे है, ऐसा काहे, रीजन दो। सर वहाँ पे स्पेस ज्यादा होगा, अच्छा जगह पे लोकेशन होगा शायद। ठीक है, देखो बात ऐसी है कि एक तो जो बात है वो कही है, लेकिन मेन बात क्या है कि जब दिल्ली सल्तनत से लोग आए तो यहीं पे आकर के वो बसे थे, इसी एरिया के आसपास। दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली में ही आकर बसेंगे, ये इसी एरिया के आसपास आकर बसे होंगे, इसलिए यहाँ पे बनाया गया। साथ में जगह भी ऑब्वियसली वो तो स्वाभाविक बात है, बिना जगह के तो ये संभव नहीं है। तो आप लोगों ने स्लेव डायनेस्टी में क्या देखा कि कुवतुल इस्लाम मस्जिद बनाया गया, ठीक है, कुतुब मीनार के पास। उसके बाद फिर क्या बनाया गया आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया यहीं पे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, आपने कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी में हम सबको पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पहले आए उन्हें भी, जो बाद में आएंगे उन्हें भी, सबको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पूरी डायनेस्टी के अंदर के जितना आर्किटेक्चर है सबको एक साथ हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, वो मैंने आपको बताया था क्या डिजाइन करवाता है, क्या बनवाता है, क्या बनवाता है विद्यानंद? फिर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, एग्जैक्टली। ये कुतुब मीनार जो है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये होता है ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे क्या कुतुब मीनार बनवाया था? नहीं, ये बख्तियार काकी के लिए बनवाया था, बख्तियार, ठीक यस है, बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार खिलजी नहीं, ये कंफ्यूज मत हो जाना, खिलजी बाद में आएगा, ठीक है, और वो इसे हराएगा और अपना शासन स्थापित करेगा। तो ये कौन है? बख्तियार काकी, नोट कर लो ये चीज, ठीक है। ये आर्किटेक्चर मैंने आपको वैसे पहले भी रिपीट करवाया था, लेकिन यहाँ पे आपको एक बार और मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। कंप्लीट जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। हाँ, एग्जैक्टली, छाया बिल्कुल सही। इसे बनवाना शुरू किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कंप्लीट करवाने का काम किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, अल्तमश ने, ठीक है, हिंदी में कहेंगे, उर्दू में कहेंगे, फारसी में कहेंगे अल्तमश, और वैसे करवाया था इल्तुतमिश ने। ऑलराइट, इसमें ना कुछ खास चीज आपको देखने को मिलेगी कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार में खास चीज क्या है कि एक तो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, ये टेढ़ा है, ठीक है, टेढ़ा है पर मेढ़ा है, ठीक है, ये टेढ़ा है पर मेढ़ा है, ऐसा है इसका सीन। रिब्ड है, देखो ये इस प्रकार का रिब्ड है, आप देखोगे इसमें, देखो ये रिब्ड है, आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार का रिब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी इसमें कुछ खास बात है, मतलब आउटर वाल जो बाहर की जो दीवार है वो रिब्ड इफेक्ट है उसके अंदर, ठीक है। कार्विंग बड़ी जबरदस्त की गई है बालकनी में, और उसके बाद फिर ये सब चीज आपका देखने को मिलता है। इसका कुछ खास फीचर ये है, कहा जाता है कि इसके ऊपर दो छतें और थी जो कि टूट गई बाद में, जो भी रहा हो, ये आपका क्या कुतुब मीनार, ठीक है, ये बड़ा ही देखने में जबरदस्त लगता है। अच्छा, ये जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इसी के बीच में आपको आयरन पिलर देखने को मिलता है, ठीक है, आयरन पिलर। आयरन पिलर जो है इसमें किसका नाम उद्धृत है, याद है कुछ? आयरन पिलर में जो लौह स्तंभ मैंने आपको बताया था उसमें किसका नाम उल्लेखित है? चंद्रगुप्त टू, एग्जैक्टली, जो चंद्रगुप्त, कि गुप्ता गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड। एग्जैक्टली। आप पढ़ के आई हो पूरा ये आर्किटेक्चर? हाँ? अभी पूरा रिवाइज नहीं कर रखा, अच्छा, कोई इशू नहीं बस है, इसको, बस हाँ इसको देख के जो जो इन्फॉर्मेशन याद आ रही। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, वेरी गुड, कंटिन्यू। ऐसे ही पढ़ना होता है कि कोई चीज पढ़ाया गया उसे याद करने की कोशिश करो, रिवाइज करने की कोशिश करो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब दो, ठीक है, बहुत बढ़िया।
कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये देखो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये यहाँ पे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, कुतुबमीनार के पेमाइस में, ये सब चीज हमें देखने को मिल रहा है। क्या फिर क्या है, खिलजी डायनेस्टी की यदि हम बात करें तो खिलजी डायनेस्टी भी अपना कुछ करेगी अपना काम, ठीक है। तो ये बनवाती है सबसे पहले, देखो सबके सपना भी रेड सैंड स्टोन का ही प्रयोग कर रहे हैं जनरली, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या आता है, मोर्टार का यूज होने लगता है, मोर्टार का यूज होने लगता है, ठीक है, मोर्टार का यूज। ओके, अब यहाँ पे इसने क्या बनवाया था, अलाई दरवाजा, ठीक है, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, इसके बारे में ना मैं आपको कुछ खास चीज बताता हूँ। खास चीज क्या है, खास चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे कहा जाता है परफेक्ट डोम इन इंडिया, मतलब कि भाग में परफेक्ट डोम अगर आपको देखना है। अब डोम का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक्चुअल में, अलाई दरवाजा, दरवाजा आप इसमें देखोगे, ये देखो ये है आपका अलाई दरवाजा, ठीक है, और जो ऊपर में ये है बना हुआ, ठीक है, ये देखो इसे कहते हैं डोम, ऊपर की तरफ जो बना हुआ है इसे कहते हैं डोम, ठीक है। तो ये इंडिया में ना परफेक्ट डोम माना जाता है, मतलब इतना पहली बार इतना परफेक्शन से डोम को बनाया गया था, जिस प्रकार से बनना चाहिए उस प्रकार से बना था। तो अलाई दरवाजा के बारे में ये चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये जो परफेक्ट डोम माना जाता है, और इसमें आर्चिस भी प्रॉपर बने हुए हैं, और इसमें सब कुछ प्रॉपरली तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है अलाई दरवाजा के बारे में, परफेक्ट डोम इन इंडिया इस नाम से ये जाना जाता है, परफेक्ट डोम के नाम से, ठीक है। उसका फिर इसने और क्या बनवाया था, देखो यहाँ पे सबसे पहले खिलजियों ने यहाँ पे लिखा है अलाई दरवाजा, हाँ अलाई दरवाजा लिखा है। उसके बाद श्री श्री का महल बनवाया, श्री फोर्ट, ये भी मैंने आपको बताया था, श्री फोर्ट एक बार आप वो भी देख लो कैसा दिखता है, श्री फोर्ट देखते जाओगे तो दिमाग में छपका जाएगा, ठीक है, और बाद में आसानी होगी ये सब चीज याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखो श्री फोर्ट का आपको जो छोटा छोटा नजर आ रहा होगा रुइंस, आज के टाइम पर रुइंस ही था ये, इस प्रकार का कुछ नजर आता है सीरी का किला, ठीक है, ये सीरी का किला है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये किला है आपका, तो सीरी फोर्ट भी बनवाता है। उसके बाद फिर ये कुछ और चीजें बनवाता है, जैसे कि एक वाटर टैंक बनवाता है जिसका नाम होता है हौज ए शमशी, नोट कर लो हौज ए शमशी, हौज ए शमशी, ठीक है, हौज ए शमशी। उसे आप जमीयत खाना मस्जिद, जमीयत खाना मस्जिद, जमीयत खाना मस्जिद, जमीयत खाना मस्जिद लिख दिया मैंने, जमीयत खाना मस्जिद। उसके बाद फिर हौज ए शमशी, ठीक है, हौज ए शमशी, शमशी, ठीक है, ये भी बनवाता है, अलाई दरवाजा बता ही दिया मैंने, ये और कुछ बनाता है, ठीक है। उसका फिर एक और बनाता है, बेसिकली महल बनाता है, उसका नाम होता है महल ए हजार, ठीक है, क्या होता है महल ए हजार, महल ए हजार। महल ए हजार की कुछ खास बात है, क्या खास बात है कि इसमें हजार हॉल होते हैं, सहस्र हॉल होते हैं, इसलिए इसका नाम है महल ए हजार, ठीक है। ये आपको नितिन सिंघानिया में नहीं दे रखा, पर ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस बार इसकी फोटो दिखा देता हूँ, महल ए हजार, कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है, कहाँ है इसमें नहीं दे रखा, चलो ठीक है, इसमें कोई फोटो नहीं दे रखा, कोई सुनिए, बेसिकली हजार हॉल होती है इसमें महल ए हजार में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। महल ए हजार किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था खिलजियों ने, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं तुगलकों के टाइम पे, तुगलकों ने कैसा कैसा आर्किटेक्चर बनवाया था। देखो तुगलक जो है ना, ये क्राइसिस पे क्या, सर अलाई मीनार भी बना रहा था, खिलजी जो था वो अलाई मीनार भी बनाया था ना, जो मतलब पूरा बन नहीं पाया तो वो जो मैंने अलाई इसलिए। दरवाजा बोला वहीं पे, अच्छा अलाई मीनार अलग है, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं, अलाई उसी दरवाजा के अलाई मीनार आसपास जो है वो दोनों बनवाया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था अलाई मीनार। या सर उसी के थोड़ा सा आगे जाके अलाई मीनार है। हाँ, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, अलाई मीनार और अलाई दरवाजा दोनों बनवाना शुरू किया था इसने, खिलजी ने। तो अलाई दरवाजा जो है ये बन गया था, अलाई मीनार उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद फिर बात करते हैं तुगलक की,
तुगलक जो है ना, ये क्राइसिस फेज से गुजर रहे थे। क्राइसिस फेज से क्यों गुजर रहे थे? वैसे तो कहने के लिए तुगलक के ही टाइम पे भारत में सबसे ज्यादा फैलाव हुआ था। यदि हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ा कब था, तो था तुगलक के समय में, ठीक है, महमूद तुगलक के टाइम पे। किंतु वो सबसे क्राइसिस से भी गुजर रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलिट्री एक्सपेडिशन हो रहा था, बहुत ज्यादा हम लोग मिलिट्री पे खर्चा कर रहे थे, कभी ये आक्रमण कर दे रहा था, कभी वो आक्रमण कर रहा था। तो इसमें एक समस्या क्या होती है कि ये रेड सैंड स्टोन के बदले इनकी आर्किटेक्चर बनने लग जाती है ग्रे सैंड स्टोन से, ठीक है, ग्रे कलर के सैंड स्टोन से बनने लग जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लोग ध्यान देते हैं कि ताकतवर ज्यादा हो, स्ट्रेंथ ज्यादा मिले बिल्डिंग को, ठीक है। अब सोचो जब ग्रे कलर का बनेगा और ताकत पे ध्यान देगा, तो ऐसी खतरनाक ठोस चीज के ऊपर क्या डेकोरेशन कर पाना पॉसिबल हो पाएगा? बहुत मुश्किल होगा। इसे डेकोरेशन पे एम्फेसिस कम है, इसलिए देखने में सुंदर सुंदर नहीं लगते आपको, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें क्या है, हम देखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, ये लोग ना एक कंस्ट्रक्शन के स्टाइल का यूज करते हैं जिसे बैटर कहा जाता है, यानी कि स्लोपिंग वॉल, ठीक है, वॉल जो उनकी स्लोपिंग टाइप होती है, तो इसका यूज किया जाता है। हमें भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्या करिए, उन्होंने कौन सा ऐसा करवाया था कंस्ट्रक्शन जिसमें कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि देखो ये सिटीज ऑफ तुगलकाबाद, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो और दिल्ली में कभी आपने घुमा होगा, तो आपने तुगलकाबाद का किला देख रखा होगा, या नहीं देखा तो जा करके देखना, बड़ा ही सुंदर आज भी है ये, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने कहा कि सुंदर देखने को नहीं मिलता, लेकिन तुगलकाबाद की सिटी जो है ये इससे अलग है, ये आपको ब्लैक सैंडस्टोन से बनी हुई नहीं है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि सबका सब एक ही चीज से बना होगा, नहीं, जनरली वो बात किया गया है कि ब्लैक सैंडस्टोन से बना है, पर ये सिटी ऑफ तुगलकाबाद, तुगलकाबाद का शहर जो है ये उससे नहीं बना था, ये रेड सैंडस्टोन से ही आई गेस बना हुआ है। तो आप बदरपुर की साइड में जा रहे होगे तो वहां पे आपको ये नजर आता है तुगलकाबाद का किला, ठीक है। उससे जहां बना और फिरोजाबाद, अब देखो मैंने कहा था फिरोजाबाद जगह का नाम ही किसने बनाया था, फिरोज तुगलक ने, ठीक है, तो फिरोजाबाद ये है। उसके बाद क्या है, इसने फिरोज शाह कोटला मैदान भी बनवाया था, ठीक है। उसके बाद हौज खास आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में कहीं भी हो सकता हो, हौज खास बड़ी ही फेमस जगह है, ये काफी पॉश एरिया है। यदि कोई आईआईटी की बच्चा तैयारी कर रहा है, तो वो भी हौज खास में जाके, कालू सराय में जाके तैयारी करता था पहले, ठीक है। उसके अलावा फिर हौज खास जो और भी बहुत चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, आईआईटी भी उसी के आसपास है, ठीक है। उसके अलावा और फिर इम्पोर्टेंट है, हौज खास तो एक पार्क है ना, हाँ वहां एग्जैक्टली, गया हूँ, ठीक है, बहुत से बड़ा पार्क है। हाँ, वहाँ पे डियर पार्क है, बेसिकली वहाँ हिरणों का पार्क है। तो हौज खास बहुत सारी चीजें, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पे निब्बा निब्बी सब जाते हैं अपना मजे लेने के लिए, अपना घूमने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बड़ी अच्छी जगह है वो हौज खास, बेसिकली बहुत ही पॉपुलर जगह है। यहाँ पे उसे टैंक बनवाया था, ठीक है, एक टैंक, आपने हौज खास गए होगे तो आपने टैंक देखा होगा, वो उसी का बनवाया हुआ था, ठीक है। किसका बनवाया हुआ था ये? सर हाँ नहीं बोल रहा, यस हाँ, तो बेसिकली ये चीज है कि इन लोगों ने टैंक बनवाया था, तो ये भी तुगलकों के ही टाइम पे टैंक बना है, ठीक है। और उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया शहर बनवाया था जिसका नाम है जहांपनाह, ठीक है, जहांपनाह, नोट करते जाओ सब कुछ, ठीक है। तुगलकाबाद का किला, जहांपनाह, फिरोजाबाद, ठीक है, हौज खास का टैंक, फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसने बनवाई थी? तुगलक डायनेस्टी ने, ठीक है। उसका फिर बात करते हैं हम लोग, इसमें क्या कुछ खास बात थी तुगलक डायनेस्टी में? देखो कुछ खास बात थी, जैसे क्या थी, देखो ये ना जब अपने कंस्ट्रक्शन करवाते थे तो रेस्ड प्लेटफॉर्म पे करवाते थे, यानी कि थोड़ा सा उठा लिए जमीन के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर बनाया। ऐसा क्यों किया करते थे, कोई मुझे बता सकता है? ऐसा करने के पीछे इनका कारण क्या रहा होगा, बता सकते हो? सर, बरसात वगैरह स्ट्रेंथ में प्रोवाइड करने के पानी, लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए? देखो स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ क्या प्रोवाइड होगी, अगर जमीन के ऊपर बनाओगे तो स्ट्रेंथ क्या ही प्रोवाइड होगी? वो तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, जमीन के नीचे कितना काम किया गया है, जमीन के नीचे आपका मकान जितना ज्यादा पिलर जाएगा उतना ज्यादा आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी, ठीक है। किंतु यहाँ पे वो चीज नहीं है। बेसिकली जब भी, अब देखो आप मंदिर देखो, मंदिर में आपने, हमने जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा था उसमें भी हम लोग रेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं, है ना। तो पहली चीज तो ये कि उन लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि अच्छा रेस्ट प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है, तो चलो इसे कॉपी करते हैं। दूसरा एक रीजन रहा होगा क्या, या था क्या एक्चुअल में, अभी भी अगर आप कोई चीज ऊंचाई बनाते हो ना तो ऊंचा दिखता है। अब यदि इसके ऊपर अगर कोई बनाएगा सपोज एक कुतुब मीनार, तो एक तो कुतुब मीनार की हाइट सपोज की हम लोग मान लेते हैं कि 70 मीटर है सपोज,
ठीक है, यहाँ भी क्या होगा 5 मीटर का और हाइट हो गया, तो ये देखने में कितना होगा 75 मीटर, ठीक है, ये कितना होगा 75 मीटर। तो अब क्या हुआ, ये दूर से ही दिखाई देगा, ठीक है, ये ना बहुत दूर से दिखाई देगा, जहाँ पे पहले 70 मीटर जो है, अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो अगर इतनी दूर का है तो इतने दूर से दिखाई दे जाएगा इसका शिखर, वो हम निकालते थे, ठीक है, 10th क्लास में ये हुआ करता था, ठीक है। अब क्या है, अगर आप इसकी हाइट बढ़ा दो तो ये आपको और ज्यादा डिस्टेंस तक नजर आएगा, कैसा होगा, जैसा होगा डेफिनेटली होगा, ठीक है। यस सर ये होगा। चीज है कि हमें ज्यादा दूर से दिखाई देने लगेगी, जितनी हाइट होगी उतना दूर से दिखाई देगा, पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या होगा, इन लोग का कहना था कि क्षितिज से जब कोई देखेगा तो बड़ा ही सुंदर नजर आएगा। अब आप पूछोगे क्षितिज क्या होता है, ठीक है, देखो आपने कविता पढ़ी होगी हम पंछी उन्मुख गगन के, उसमें शायद क्षितिज शब्द का प्रयोग आता है, एनसीईआरटी में थी वो, ये तो और भी बहुत जगह आपने सुना होगा। बेसिकली क्या होता है, जब आप चल रहे हो आगे की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है, खाली मैदान है, खाली मैदान आप बढ़ रहे हो, आपको ना कहीं पे लगेगा कि धरती जो एकदम खत्म हो रही है, इस पोर्शन पे धरती आके खत्म हो रही है, या फिर यहाँ पे सूरज उगा हुआ है वो एकदम जमीन से एकदम चिपका हुआ है, वो तो जमीन के ऊपर ही है सूरज, चांद है वो एकदम जमीन के ऊपर ही है चांद, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा, ऐसा प्रतीत होगा, वो काफी दूर होगा लेकिन वहां पे नजर आएगा कि धरती आपके यहाँ पे खत्म हो रही है, वहां पे आपको नजर आएगा कि जो सूरज है वो यहीं पे एकदम जमीन पे ही उतर के आ चुका है, चांद जमीन के ऊपर उतर के आ चुका है, इसे कहते हैं क्षितिज, वो पॉइंट जहाँ पे ये सारे फेनोमिना घट रहे होते, उसे कहते हैं क्षितिज। तो इन लोग का कहना था कि क्षितिज से देखने में सुंदर दिखाई दे, ठीक है, एक स्काई लाइन नजर आए, एक वर्ड का प्रयोग होता है स्काई लाइन, ठीक है, स्काई लाइन, स्काई की लाइन, ये बड़ी सुंदर नजर आए ये डोम वगैरह से, ठीक है, इसलिए अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, इसीलिए डोम का यूज किया जाता है स्काई लाइन के लिए, ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है इसका प्रयोग क्यों होता है, ठीक है, रीजंस आपको बता रहा हूँ, मीन्स में आपको काम आ सकता है, तो मीन्स भी साथ के साथ हो रहा है, इन सबको आपको मेडिवल इंडिया को आपको दोबारा से मीन्स के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, एक साथ चल रहा है ये सारा। तो ये बेसिकली था आपका इसका तुगलक आर्किटेक्चर का आपको कुछ फीचर्स, ठीक है। उसके फिर मैंने एक और फीचर बताया, जैसे कि अगर ये सपोज कि अगर ब्लैक सैंडस्टोन से बनाएगा, क्यों बना रहा है, क्योंकि वो क्राइसिस से गुजर रहा है, इसका मतलब वो सस्ता भी होगा, तो पैसों की कमी थी, तंगी थी, इस वजह से वो लोग सस्ता चीज का इस्तेमाल करते थे, ब्लैक सैंडस्टोन का, ग्रे सैंडस्टोन का, तो इसी वजह से ये जो है सस्ता माना जाता है, तो ये भी इसका एक फीचर है। उसके बाद बात करें यदि सैयद डायनेस्टी की, तो सैयद डायनेस्टी में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, इसलिए इसमें भी मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन कुछ चीजें हुआ है फिर भी, ठीक है, इसलिए नोट डाल दो सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, उसके अंदर लिखो खिज्रबाद का शहर या फिर मुबारकबाद का शहर, ठीक है, खिज्रबाद या मुबारकबाद का शहर, ये बनाया गया है खिज्र डायनेस्टी में, ठीक है, खिज्रबाद, खिज्रबाद, ठीक है, खिज्रबाद। उसके बाद फिर और क्या है, ये मुबारकबाद, मुबारकबाद दो, इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं है फिर भी इसके बारे में हमें कुछ पढ़ने को मिलता है, मुबारकबाद, ठीक है, तो खिजरबाद और मुबारकबाद जो है ये हमें देखने को मिलता है सैयद डायनेस्टी के टाइम पे। उसके बाद फिर ना और भी कुछ चीजें, जैसे कि सुल्तान मुबारक शाह, अब मुबारकबाद क्यों, क्योंकि मुबारक शाह नाम का इसका सुल्तान था, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुबारक शाह का भी टॉम्ब बनाया गया था, उसका भी मकबरा बनाया गया था, तो हमें सिंपल से समझना है कि बाबर बरा तो बाबर का मकबरा बनाया गया, हुमायूं मरा हुमायूं का मकबरा बनाया गया, ठीक है, हालांकि आपको बाबर का मकबरा भारत में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि काबुल में जाके शायद मरा था, तो इसलिए भारत में नहीं है वो, लेकिन हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है, आप जाकर के देख सकते हो हुमायूं के मकबरे को, यहाँ पे फिर आप जितने भी सुल्तान आते गए सबका मकबरा हमें देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस बात है मुबारक शाह का भी मकबरा देखने को मिलेगा, टाइम पढ़ना इसे, ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ना, एक चीज लेकिन इंपॉर्टेंट है, मुबारक शाह के नहीं, मोहम्मद शाह, उसका फिर बेटा बेटा होगा मोहम्मद शाह, उसका भी एक था क्या ऐसे ही टॉम, ठीक है, उसका ही मकबरा था जिसमें कि 8 साइड है, ठीक है, लेकिन उसमें ना एक डिफेक्ट था, वो डिफेक्ट है कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए उसे अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं कही जा सकती, इसका ना हम अगर कोशिश करते हैं, अगर फोटो देखने को मिले तो देखने की कोशिश करते हैं टॉम। क्या ये है, ये तो लोधी गार्डन है, अब डालते हैं कुछ, आता है कुछ, ये रहा शायद, ये देखो ये है मोहम्मद शाह का
अपना मकबरा, ठीक है। आपको देखने में इसमें कोई परेशानी नजर नहीं आएगी, ठीक है, देखने में तो नजर मुझे भी नहीं आ रही परेशानी। और इसे कहा जाता है कि आठ साइड है, आठ साइड तो आपको इसमें नजर आ रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें तीन साइड नजर आ रहा होगा, ऐसी बाकी और साइड भी है। जैसे देखो, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, ये साइड आपकी देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अलग अलग साइड, ये ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है। तो एक तो ये ऑक्टागोनल शेप है, इसका ये फीचर है। दूसरा, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ये देखो हाइट इसकी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं माना गया है। अब इसका एक्चुअल में जो है, हम अगर आगे तक होते तो समझ पाते, किंतु आपको इतना ध्यान रखना कि इसे अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसलिए आप इसे नोट करके रख लो, मोहम्मद शाह का मकबरा, ठीक है, मोहम्मद शाह का मकबरा, क्लियर है, क्लियर है आप लोग को? यस हेलो, सर, ठीक है नोट कर रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। अब देखो, लोदी डायनेस्टी में भी कुछ काम हुआ है। लोदी डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हुआ कि ना, सबसे पहले तो आर्किटेक्चर जो है बैक सीट पे चला गया, यानी कि ज्यादा काम हो नहीं पाया। स्वाभाविक बात है, काम हो कैसे पाएगा? लोदी डायनेस्टी के टाइम पे आप सोच के देखो कैसी कैसी ये परिस्थिति बनी। सबसे पहले बाबर ने अटैक किया है, ठीक है, बाबर इतना खतरनाक, वो क्या करेगा? दूसरा, इधर राणा सांगा थे, राणा सांगा ने इसको दो बार मारा था बुरी तरीके से, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ कंस्ट्रक्शन करवा पाना अपने आप में बहुत ही कठिन है, ठीक है, ऐसी स्थिति में कुछ कंस्ट्रक्शन करवा पाना बहुत ही कठिन है। तो राणा सांगा की वजह से भी एक रीजन था, ये तो पॉलिटिकल रीजंस थे, ठीक है। अगर अब बात करें कि क्या इसमें कुछ हुआ था, तो हाँ हुआ था। इसमें ना सिर्फ मकबरे बनाए गए थे, ठीक है, इसमें सिर्फ मकबरे बनाए गए थे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डबल डोम का प्रयोग किया गया था। आप पूछोगे डबल डोम क्या है? देखो, मैंने कहा था आपको कि एक डोम बनाया जाता है, ठीक है। अब यदि सपोज इसके अंदर एक और डोम ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, डोम के अंदर डोम, ऐसा ऐसा, इसे कहेंगे डबल डोम। क्या कहेंगे इसे? डबल डोम। इसमें क्या होगा, ये जो होगा ना, ये खाली खोखला जगह होगा, ये जो जगह मैं आपको देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये जगह जो है, ये स्पेस जो है, ये खोखला स्पेस होगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? डबल डोम। तो डबल डोम आया किसके टाइम पे? लोदी के टाइम पे आया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लोदी के टाइम पे डबल डोम आया। अगर आप कहोगे इसका फेमस क्या है, इसका रीजन क्या है डबल डोम होने का, तो सबसे पहली बात, इससे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिल रही है, और साथ ही ना हाइट कम हो जा रही है, हाइट कम भी किया गया डोम का, ठीक है, डोम की हाइट को कम की गई इससे, तो ये चीज है, ठीक है। और ये जनरली ऑक्टागोनल शेप में ही बनाया जा रहा था, तो ऑक्टागोनल शेप देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, इसीलिए हम ऑक्टागोनल शेप का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसे एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल हमें देखने को क्या मिलता है, लोधी गार्डन। आप कभी लोधी गार्डन अगर गए हो, कि दिल्ली में ही है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा लोधी गार्डन। ये भी रेस्ट प्लेटफॉर्म पे बना है, ठीक है, ऊपर उठा हुआ जगह, जमीन के ऊपर बना हुआ है लोधी गार्डन, डोम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, देखो मैंने आपको इसमें दो फीचर बताने, पहला फीचर मैंने आपको बता दिया कि डबल डोम का इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। दूसरा, इसमें एक और फीचर हुआ है एड, जो कि डोम में स्लैब भी यूज कर दिया गया है। आप कहोगे स्लैब क्या? देखो, अभी तक जो डोम बन रहे थे ना, इससे पहले इसमें केवल डोम था, ठीक है। अब क्या किया जाने लग गया, अब ना स्लैब भी दिया जाने लग गया। क्या स्लैब? स्लैब का मतलब क्या होता है? पत्थर, ठीक है, ये स्लैब दिया जाने लगा हर जगह। स्लैब देने से क्या होगी? मजबूती प्राप्त होगी। तो भारत में जितने मंदिर बनते हैं ना, वो स्लैब उसमें दिए जाते हैं सब मंदिरों में, ठीक है, पत्थर के टुकड़े दिए जाते हैं, और उसे फिर जोड़ा जाता है सीमेंट वगैरह आज के टाइम पे, वरना फिर आपको जोड़ा जाता है चूना पत्थर वगैरह से, ठीक है, तो स्लैब दिया जाने लग गया। इसमें एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे स्लैब का भी यूज किया गया है, ठीक है, और साथ ही इसका यूज किया गया है, डोम का भी यूज किया गया, लेकिन उसमें डबल डोम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये चीज है, और ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया है, आपको पता है, ये सब चीज आपने देखा होगा। लोधी गार्डन अगर आप कभी नहीं घूमते, तो कभी घूम करके आना, ठीक है, बड़ा ही बढ़िया जगह है। ऑलराइट, इस टाइम पे ना सल्तनत पीरियड, ये आपका सल्तनत पीरियड होगा पूरा कंप्लीट, ठीक है, सल्तनत पीरियड का आपके सारे आर्किटेक्चर हो गए, और लोधी डायनेस्टी में ज्यादा काम हुआ नहीं, मैंने आपको कहा इसमें खाली मकबरे बनाए गए थे, जिसमें इंपॉर्टेंट है क्या, लोधी गार्डन, ठीक है, क्योंकि लोधी के सुल्तान के लिए बनाया गया है ऑक्टागोनल शेप में। ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। इस टाइम पे ना कुछ म्यूजिक भी डेवलप हुआ है, ठीक है, जैसे कि रबाब और सारंगी नाम के इंस्ट्रूमेंट आए, रबाब और सारंगी। आपको कि सारंगी बाहर का है क्या, विदेशी है क्या? तो देखो, इसके ऊपर डाउट है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं विदेशी है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं इंडिया का ही मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, सारंगी और रबाब, ठीक है।
अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा, अमीर खुसरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अमीर खुसरो ने बहुत सारे राग खोजे थे, जैसे कि राग घोरा, तीमन, याद नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है, सनम, ये सब बेसिकली कई सारे ये खोजे गए थे। और अमीर खुसरो ने सितार की खोज की थी, यानी कि सितार की खोज भी किसके द्वारा की गई थी, अमीर खुसरो के द्वारा। बेसिकली सितार की खोज अमीर खुसरो के द्वारा की गई है, और सारंगी रबाब कहा जाता है कि टर्किश लोग जो है, टर्किश लोग अपने साथ लेकर के आए थे, ठीक है, ये चीज है। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट बाहर से आए हुए। हमारे इधर फिर क्या था, आपको तो देखो हारमोनियम था, ठीक है, तबला था, और बाकी और इंस्ट्रूमेंट सब थे, वीणा थी अपनी इधर, अपने यहाँ पे सितार देखने को नहीं मिलता आपके इधर, अपने इधर वीणा देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहा जाता है सितार जो है वीणा के ही द्वारा इंस्पायर्ड है, और इसी वजह से कुछ लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं हिस्टोरियंस कि सितार बाहर से आया है, वो इंडिया से, इंडिया में ही डेवलप हुआ है, तो ये बात है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था क्या नाम था उसका, कश्मीर का सुल्तान का, याद है कश्मीर के सुल्तान के बारे में, जिसने कि बहुत सारे मंदिर वगैरह सब बनवाए थे, याद है कुछ, क्या याद है उस कश्मीर सुल्तान के बारे में, क्या था उस कश्मीर सुल्तान का नाम, जिया करके कुछ था, नहीं याद है, नोट्स पलटाओ अपने, जैनुल अबिदीन, ठीक है, मैं भी भूल गया था, जैनुल अबिदीन नाम था इसका, ठीक है। जैनुल अबिदीन ने भी कई सारे मंदिर वगैरह सब बनवाए थे, हालांकि उसके बारे में हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं आपके दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर के बारे में। क्लियर हो गया, दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट हो गया, हो गया क्लियर सबको, यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, हम कुछ प्रोविंशियल लेवल के गवर्नमेंट्स जो आए हैं, उनके, उन्होंने भी कुछ कुछ अपना कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो वो भी देखते हैं, ठीक है। जैसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, बंगाल में मैंने कहा था कि बलबन का जो बेटा है वो वहां पे जाकर के बस गया था, ठीक है, और वहां पे उसने अपना अलग करवा लिया था, फिर बंगाल स्कूल अपना अलग ही चलने लग गया। तो ये क्या, ये काले मार्बल से बनाया जाता है इसका, ठीक है, पत्थर का यूज करके और ब्लैक मार्बल का यूज करके, और इसकी छत बंगला रूफ की तरह होते हैं, ठीक है, स्लोपिंग होते हैं, और बंगला रूफ इसे कहा जाता है। मॉस्क बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड कंटिन्यूड द यूज ऑफ स्लोपिंग बंगला रूफ व्हिच वाज प्रीवियसली यूज्ड फॉर टेंपल, जैसे मंदिर हुआ करते थे इसी प्रकार के इसके रूफ्स भी हुआ करते थे। जैसे एग्जांपल देख लो आप, जैसा है कदम रसूल मॉस्क इन गौड़, अदीना मॉस्क इन पंडुआ, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है, अदीना मस्जिद पंडुआ में और कदम रसूल मस्जिद गौड़ में, ठीक है। कदम रसूल मस्जिद आपको यहाँ पे दे रखा है, फोटो आप देख सकते हो, और अदीना मंदिर में आपको दिखा देता हूँ, अदीना मॉस्क, ये देखो इस टाइप का कुछ है अदीना मॉस्क, ये तो क्लियरली दिखाता भी नहीं, अदीना मॉस्क ये रहा, ये अदीना मस्जिद, ठीक है, ये बंगला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिल रहा है हमें, और ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बंगला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या कहते हैं आपका, ये ब्लैक मार्बल से बना हुआ है, और ठीक से, ये देखो ब्लैक मार्बल जैसा आपको कुछ नजर आ रहा है, काले कलर का है ये बिल्डिंग, ठीक है ना, ये रेड सैंडस्टोन है ना ये ग्रे सैंडस्टोन है, ग्रे सैंडस्टोन देखने में अलग ही नजर आ रहा होता है, ये सैंडस्टोन से बना हुआ नहीं है, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि बंगला आर्किटेक्चर में सैंडस्टोन से बना हुआ नहीं है, एक फीचर हमें ये याद रखना है। दूसरा फीचर इधर क्या है, ईंट से बना हुआ, तो इसमें आप देखो ईंट आपको नजर आ रही है कहीं पे, जो ईंट जोड़ जोड़ के बना हुआ है ऐसा शायद हमें नजर आ रहा है, एक्चुअल में तो हम समझ नहीं सकते, किंतु एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ शायद ये ईंट से बना हुआ होगा, ठीक है। दूसरा और क्या है, बंगला रूफ, इसमें कि मॉस्क बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड कंटिन्यूज द यूज ऑफ स्लोपिंग बंगला रूफ व्हिच वाज प्रीवियसली यूज्ड फॉर टेंपल्स, ठीक है। बंगला जो रूफ है वो इस प्रकार का होता है, इधर देखो इस प्रकार का कुछ, यहाँ पे कई सारे ये हैं, ठीक है, शायद इस प्रकार का ठहरा होगा, ये आपके नहीं है, क्या कहते हैं तो इसे, वो नहीं है, डोम नहीं है ये, ठीक है, ये डोम नहीं है, ये चीज है आपका, तो दो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, करम रसूल मस्जिद और अदीना मस्जिद, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये क्या हो गया आपका बंगाल का आर्किटेक्चर। दूसरा जौनपुर, अच्छा जौनपुर कहाँ है ये आप मुझे बताओ, जौनपुर कहाँ है, मैंने आपको बताया था छाया कहाँ पे, जौनपुर छाया, जौनपुर कहाँ पे है, आज छाया स्टार्टिंग में जोश में थी, दो तीन अच्छा गांव ध्यान फटाफट नहीं आ फटाफट रहा। दी,
अभी ध्यान नहीं आ। देखो कई बार बताया था, जौनपुर का शासन यूपी में है, ठीक है। जौनपुर ने बार 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 विद्रोह किया था, चाहे वो अकबर के टाइम पे हो, ठीक है, या फिर और कोई दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। जौनपुर ने बार बार विद्रोह किया है, ठीक है। ये लोग चैन नहीं बैठते हैं, ये यूपी में ही है। जौनपुर जो है यूपी में ही है। आगरा देखो, आगरा है, आगरा के ईस्ट साइड पे आप जाओगे तो जौनपुर आपको देखने को मिलेगा कुछ दूरी पे, ठीक है। तो जौनपुर जो है, जौनपुर ने बार बार विद्रोह किया है। ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए कौन सा कहाँ पे है। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो शर्की रूलर्स थे यहाँ पे जाकर के ये लोग बस गए थे। शर्की रूलर कब आए थे, जबकि मैंने आपको बताया था कैमूर का अटैक हुआ था, जो वहां का शासक था दिल्ली का सुल्तान, वो भाग गया था। तो उस टाइम पे शर्की रूलर्स ने यहाँ पे अपना बसाया था, और यहाँ पे सब कुछ अपना शर्की का वो जो बताया था डायनेस्टी वो चलाया था, ठीक है। तो जौनपुर स्कूल ये है, ठीक है। तो इसको शर्की स्टाइल भी कहा जाता है। इसमें ना इन लोगों ने मीनार बनाने से परहेज किया, लोगों ने मीनार नहीं बनाई, ठीक है। तो इसमें यूनिक फीचर क्या है, ये बेसिकली बड़े बड़े स्क्रीन हुआ करते थे और साइड में प्रेयर हॉल हुआ करता था। फोटो देख लो, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक एग्जाम्पल याद कर लो बहुत है, जैसे कि अटाला मस्जिद जौनपुर, ठीक है। अब यहाँ पे ना अटाला मस्जिद जो है, ये ऐसा फील होता है जैसे मंदिर का भी नाम है कोई, अटाला मंदिर, अटाला देवी का मंदिर, शायद सुना सुना लग रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। अटाला मस्जिद है जौनपुर का, ठीक है। अटाला मस्जिद ये देखो, ये लंबा लंबा है, यहाँ पे बिल्डिंग देखो, हाइट देखो इस बिल्डिंग की कितनी जबरदस्त है, लेकिन बाकी और मस्जिदों की तरह नहीं है अटाला मस्जिद जो है, ठीक है। तो जौनपुर का स्टाइल इसलिए डिफरेंट है, ठीक है। उसका फिर अगर आते हैं मालवा, मालवा कहाँ पे है ये मुझे बताओगे, विवेकानंद मालवा कहाँ पे है। अब आपका टेस्ट शुरू है, बताओ मालवा कहाँ पर है। मालवा कहाँ पर है, सर याद नहीं। मैं इतने बार आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा तो ध्यान रखा करो। हाँ, छाया कहाँ पे है मालवा। ये देखो, ये इसमें पाकिस्तान भी है। मालवा हाँ, मध्य प्रदेश एमपी में, हम कह सकते। देखो ये जो एरिया है ना इधर, इसे मालवा कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश का एरिया, कुछ गुजरात का एरिया, इसे मालवा कहा जाता है। ये स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब नॉर्थ वालों को साउथ जाना होता है तो मालवा से उसको गुजरना पड़ता है। और यहाँ पे ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट जगह थी देवगिरी, ठीक है, जिसे कि दौलताबाद भी नाम दे दिया गया था। सब रिविजन हो रहा है आपका, ये दौलताबाद नाम दे दिया गया था। यहाँ पे यादवों का शासन था, यादव और देवगिरी, ठीक है, यादव क्षत्रिय यादव, ठीक है। तो दौलताबाद, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, मालवा है। तो मालवा का भी शासन अपना अलग चल रहा था, ठीक है। इसकी मैंने पूरी कहानी बताई थी कि एक राजा ऐसा भी आया था, एक सुल्तान जो कि राजपूतों को काफी ज्यादा पेट्रोनाइज कर रहा था, तो वहां पे एक राजपूत शासक था, मतलब राजपूत था, उसने अपने आप को घोषित कर दिया, मैं ही राजा हूँ। तो फिर उसने, वो नाराज हो गया मालवा का सुल्तान, तो उसने कहा जिहाद करेंगे तुम्हारे खिलाफ। तो फिर वो कहता है कि गुजरात के सुल्तान आओ मेरी मदद करो, तो इधर ये भी कहता है ये राणा सांगा आओ हिंदू इनके नाम पे एक हो जाओ और इन मलेच्छों को मारो, ये एक हो गए। फिर इन दोनों ने मिलकर के उस सुल्तान को मार दिया, भगा दिया, ये सारी बात मैंने बताई थी। तो ये सब मालवा का ही है। तो मालवा बार बार रेजिस्टेंस दे रहा था, इसे मालवा अपना स्कूल डेवलप कर पाने में कामयाब रहा है। देखो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आर्ट एंड कल्चर को हम रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है अच्छा हाँ, सच में ऐसा हुआ होगा, ये तो ऐसे रटना पड़ता है मालवा स्कूल। अच्छा ठीक है, मालवा स्कूल है, जौनपुर स्कूल है, स्कूल स्कूल स्कूल, कितने स्कूल याद करें, है ना, जिससे पढ़े होते हैं, जिस स्कूल से, वो हमें याद रहते हैं। ये चीज है। अब देखो, धार का शहर और मांडू का शहर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट बना आर्किटेक्चर का, धार, ठीक है। धार एक जगह का नाम है और मांडू भी जगह का नाम है। इसमें ना अलग अलग कलर के स्टोन और मार्बल का यूज किया गया है, अलग अलग कलर के। इसकी खास इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं इसमें, ये बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो इसमें कुछ यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। अच्छा बता सकते हो यूरोपियन इन्फ्लुएंस इसमें देखने को क्यों मिला होगा, ये तो बहुत पहले की बात करें मेडिवल टाइम्स की, तो यूरोपियन इसमें इन्फ्लुएंस देखने को क्यों मिला होगा, गेस कर सकते हो। सर यूरोप से हम लोग आए होंगे तो है? सारे तो मुस्लिम सुल्तान थे, वो यूरोप से कहां से आएंगे। सर सारा बता सकती हो, गेस कर सकती हो। ट्रेड पर्पस से जो लोग आते थे उनकी वजह से, किसकी वजह से, देखो जो लोग ट्रेड करने के लिए आते थे। ये जो लोकेशन है ना मालवा की,
वो बड़ी ही क्लोज है गुजरात के, और गुजरात में आपको पता है कि पोर्चुगीज लोग सब आने लग गए थे, सबसे पहले पोर्चुगीज आ गए थे, तो वो अपने साथ कुछ अपना स्टाइल लेकर के आए होंगे, ठीक है, तो इस वजह से उनसे इन्फ्लुएंस हुए होंगे ये लोग, ठीक है, मालवा का आर्किटेक्चर। तो रीजन बेसिकली ना हमें सोचना पड़ता है बीच बीच में, और वो अगर ध्यान रहता तो हम चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाते, इसलिए मैं बार बार रीजन देता हूँ। तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें कुछ खास बात है, जैसे कि मीनारों का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, मीनारों का प्रयोग नहीं किया जाता, और जो सीढ़ियां होती है उसको भी ना एस्थेटिक्स के लिए यूज किया जाता है। आजकल एक बड़ा ही फेमस हो रहा है शब्द एस्थेटिक, एस्थेटिक, खास करके इंस्टाग्राम पे कभी पोस्ट करो तो क्या एस्थेटिक लुक आया है, क्या एस्थेटिक है ये, तो एस्थेटिक वर्ड का बड़ा ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, लोगों ने नया शब्द ये सीखा एस्थेटिक। तो बेसिकली एस्थेटिक के पर्पज से ये सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था, मीनार इसमें नहीं होती थी, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। इसी तरह मालवा स्कूल को ही पाटन स्कूल भी कहा जाता है, पाटन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, और इन्वायरमेंटल इसमें एडाप्टेशन किया गया है बहुत सारे, जैसे कि बड़े बड़े खिड़कियों का यूज, जिससे कि हवा जो है आती रहे, हवादार बना रहे, उस टाइम पे आपको पंखे की आवश्यकता ना पड़े। अब सोच के देखो उस टाइम पे बिजली कहाँ थी जो पंखे की यूज होगी, पर फिर भी लिख रखा है इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन इन लोगों ने लिया था। इसका क्या मतलब है बताओगे, इसका क्या मतलब है इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन का क्या मतलब है? उसमें एग्जाम्पल दे रखा है बड़ी बड़ी खिड़कियां, तो बड़ी बड़ी खिड़कियों से तो भाई वहां पे तो पंखा था नहीं, तो क्या इसका मतलब है फिर? कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है यह बात आपस में? बोलो। पर हाथ हाथ वाले पंखे तो होते थे जो राजा महाराजा के सामने रखा जाए, तो अच्छा, तो इन्वायरमेंट वो उससे बच जरूरत रहा है नहीं पड़ती, जरूरत क्या? हाथ वाला नहीं पंखा को पड़ती। हटा देने से क्या उससे इन्वायरमेंट में कोई असर पड़ रहा है? नहीं सर, नो सर, क्योंकि इंसान चलाता था तो इंसानों के हाथ का दर्द कम होगा अगर हवादार होगा, तो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? छाया बोलोगी कुछ? पंखा यूज करने के लिए हमें, अगर उस टाइम पे नहीं, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई लिख रहा है तो आज इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, तो उस चीज के पर्पस से वो यूज नहीं होगा, तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। नहीं देखो वो बात ठीक है, डेफिनेटली ठीक है, ये उस टाइम का कहा गया है कि इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन है। इसका मतलब देखो, समझने वाली बात यह है, इन्वायरमेंट को सही तरीके से उपयोग में लाना जिससे कि हम सबका भला हो सके, अडेप्टेशन का मतलब वो होता है। तो उस पहले भी हुआ करते थे, सब सारे बना करते थे बिल्डिंग वगैरह सब, किंतु इन्वायरमेंट को इस तरीके से अडेप्ट किया जाए ताकि हवा जो है, हवा तो हमेशा रहती है, लेकिन इस तरीके से बनाया जाए ताकि हवा का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे, इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन। इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बेसिक हवा जो है लगातार आती रहे, इन्वायरमेंट को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया जाए, सिंपली उसी को कह देंगे इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन। अडेप्ट करना, जैसी परिस्थिति है वैसी परिस्थिति में अडेप्ट कर जाना, ये होगा इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन, ठीक है। ये चीज, बड़े बड़े विंडोज या बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं बिल्डिंग वगैरह में, ठीक है, बड़े बड़े पवेलियन में लाइटली आस्ट विच मेड देम एरी एंड अलाउड अ बिल्डिंग टू रिमेन कूल ड्यूरिंग द हीट। अब देखो लोगों ने क्या इसमें अडेप्ट किया, देखो आर्च जो है वो हल्के हल्के, देखो पवीलियन को हल्का हल्का बनाया, ठीक है, लाइटली आस्ट बनाया ताकि वो एरी बना रहे, ठीक है, हवादार बना रहे, और उसमें हीट जो है वो ठंडा हो जाए फटाफट। उसके बाद आर्टिफिशियल रिजर्वायर भी बनाया जिसे कि बावली कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा इधर यहाँ पर अग्रसेन की बावली, शायद आप कभी गए भी होगी घूमने के लिए कॉलेज टाइम पे, ठीक है, तो अग्रसेन की बावली, बावली का मतलब क्या होता है? रिजर्वायर, जहाँ पे पानी, जैसे कि तालाब, ठीक है, बावली मतलब कि तालाब, ठीक है, तो ये नकली नकली तालाब सब बना, आर्टिफिशियल तालाब बनाया, ठीक है, पानी को स्टोर करने के लिए। उसके बाद से लोकली अवेलेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जो जो मटेरियल लोकली अवेलेबल है उसी के यूज से बना दिया गया है क्या अपना, ये जितना भी आर्किटेक्चर है मालवा का, ये कहीं बाहर से लेकर के नहीं आया कि हम चलो कर्नाटका से लेके आते हैं, श्रवण बेलागोला से लेकर के आते हैं, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरह लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली लोकली अवेलेबल मटेरियल से ही ये लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका है एग्जाम्पल इस चीज का, मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का, ठीक है, मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर क्लियर हुआ। अब देखो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था हिंडोल महल, हिंडोल महल आपको ध्यान है, हिंडोल महल वो जो है इसी का एग्जाम्पल, इसमें शायद रखा है कि नहीं, हाँ देखो हिंडोल महल दे रखा है, ये देखो हिंडोल महल ऐसा टेढ़ा 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 टेढ़ा, ठीक है, बहुत सारी इसमें आर्चेज हैं, बहुत सारे आर्चेज हैं, इससे क्या होगा, हल्का हो जाएगा बिल्डिंग, ठीक है, हल्का हो जाएगा बिल्डिंग। इधर देखो इसमें भी ये जो दूसरा आपका रानी रूपमती पवीलियन, देखो कितने सारे आर्चेज हैं, इससे बिल्डिंग हल्की हो जाएगी, ठीक है, बिल्डिंग जो बहुत हल्की हो जाएगी, ये टेढ़ा है देखो, स्लैंट है ये चीज आपका फीचर है, ठीक है, लोकली अवेलेबल जो मटेरियल है उसी से बनाया गया है, ये हवादार है, इतने सारे आर्चेज होंगे तो डेफिनेटली हवादार होगा, ऊपर का देखो स्पेस कितना खाली है, ये हवादार होगा,
ये देखो यहाँ पे भी खिड़की है, देखो यहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की है, बेसिकली खिड़की 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 खिड़की, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे इसने हवादार भी बनाया। तो ये सारे कुछ कंडीशन जिसके मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के। तो एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सा है, देखो हिंडोल महल देखा हम लोगों ने, हम लोगों ने इसमें और भी चीज देखा था, रानी रूपमती पवेलियन। हम लोगों को इसमें कुछ और भी देखना है, जैसे कि यहाँ पे एक और है जहाज महल, ठीक है। जहाज महल भी बनाया गया है, जहाज महल भी बनाया गया है, नोट करो जहाज महल। तो बेसिकली महल जो जुड़ा हुआ है ना, जहाज महल, हिंडोल महल, ये सारा, ये एक हिसाब से आप ये याद करने की कोशिश करो मालवा में। हालांकि ऐसा कंफर्म नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट इस तरीके से याद कर सकते हो, जहाज महल, हिंडोल महल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है इसमें ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर अकबर के टाइम पर बाज बहादुर रूल कर रहा था, ठीक है। अकबर जब था उस समय में बाज बहादुर था, और बाज बहादुर जो था वो फेमस म्यूजिशियन भी था। अगर वो फेमस म्यूजिशियन होगा, बहुत दिमाग वाला होगा, तो क्या करेगा, बहुत सारे रागों को खोजेगा। तो अलग अलग राग खोजे गए हैं बाज बहादुर के द्वारा, ठीक है। बाज बहादुर के द्वारा अलग अलग राग खोजे गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज भी आप अपने नोट्स में एड ऑन कर लो। बाज बहादुर के द्वारा अलग अलग राग खोजे गए हैं। बाज बहादुर कब था, तो अकबर का कंटेम्पररी था, ठीक है। तो ये चीज है। फिर आते हैं बीजापुर। अच्छा बीजापुर बता सकते हो कहाँ पर है बीजापुर? बीजापुर के बारे में कल ही पढ़ा था हम लोगों ने। बीजापुर कल ही पढ़ा है। हाँ गूगल किया है, कर्नाटक का मुझे याद नहीं था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो पता है, अगर एफर्ट्स डालोगे ना, अगर गूगल भी करोगे तो चीजें याद रहेगी, इसलिए एफर्ट्स डालो। नहीं आ रहे तब भी गूगल करके उसे देखो। जैसे मैं ही कहता हूँ मुझे ये चीज ध्यान उतर, ध्यान से उतर गया, फटाफट मैं फोन में गूगल कर लेता हूँ, ठीक है। आप ही लोग के सामने क्लियरली मैं बता रहा हूँ, सब चीजें इंसान को याद नहीं रहती है, कुछ चीजें ऐसा लगता है कि भूल गए, तो फटाफट गूगल करो, दिमाग में स्टोर हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट टाइम से यूज कर पाओगे। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया याद नहीं, नोट्स को पलटाओ, गूगल से देखो, फिर देखो, ठीक है। साउथ इंडिया में कर्नाटका में बीजापुर आपका है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि लड़ाई चल रही थी उन लोग की, गोलकोंडा की लड़ाई थी, बीजापुर की लड़ाई थी, तो ये आपस में लड़ाई चल रही, तो ये हम लोग कल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा तो अब हम लोग ना बीजापुर का देखेंगे आर्किटेक्चर, बीजापुर का आर्किटेक्चर कैसा था। देखो आदिल शाह ने इसे पेट्रोनियस दिया था, ठीक है। आदिल शाह ने पेट्रोनियस दिया था, और यूनिक था क्योंकि तीन अष्ट का फसाद था इसका, ठीक है। और बल्बस डोम था, यानी कि बल्बस जैसा वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, बल्बस एक होता है प्यास, प्यास, प्यास को कहते हैं बल्बस। तो जैसा प्यास देखने को मिलता है ना, उसी प्रकार का इसका डोम देखने को मिलता है, प्याज के शेप में, ठीक है। या प्याज, ध्यान रख लो ये कि बीजापुर जो है वो लोग ज्यादा प्याज खाते होंगे, प्याज की तरह उनके डोम भी दिखाई दिया करते थे, ठीक है। तो बल्बस वैसा ही होता है। और दूसरा क्या है कि इन लोगों ने कॉर्निक्स का यूज करना शुरू किया। अब कॉर्निक्स वगैरह क्या है पता नहीं, ठीक है, कॉर्निक्स को सर्च कर लेना क्या है, मुझे भी ध्यान नहीं है अभी। अब इसका स्पेशल फीचर क्या है कि इसमें ना सीलिंग को ट्रीट किया गया है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और आयरन क्लैंप्स का यूज किया गया है, जिसके एक एग्जांपल है गोल गुंबज, ठीक है। गोल गुंबज बीजापुर में, इसमें एग्जांपल फोटोग्राफ दे रखा है क्या, गोल गुंबज, ये देखो ये गोल गुंबज, ये देखो बल्बस इतना ज्यादा उठा हुआ है कि प्याज की तरह देखने को मिलता है, ठीक है। प्याज जैसे उठा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, वैसा ही इसका भी ये उठा हुआ, जैसे डोम से बाकी इतने उठे हुए नहीं रहते, इतने बल्बस नहीं होते, पर ये बल्बस है, ठीक है। क्या है, गोल गुंबज, इसका नाम ये गोल गुंबज, इतना गोल है, इतना गोल है ये गुंबज, इसका नाम पड़ गया गोल गुंबज, ठीक है। नॉर्मल अगर होता है, अगर आपका टुम के ऊपर ये डोम, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर गोल शेप में हो गया, ये ऐसा हो गया कुछ, ठीक है, इस इतना गोल हो गया ये, तो गोल गुंबज, ठीक है, गोल गुंबज। तो ये आपको ध्यान रखना कहाँ का है, बीजापुर का आर्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें और कुछ एग्जांपल है, जैसे कि गोल गुंबज है, विक्टोरिया मेमोरियल है, गोलघर ग्रेनरी है। अच्छा गोलघर ग्रेनरी आपने बिहार में किया, गोलघर जो है ये बिहार में भी है, और ये चीज आपको ध्यान रखना, पर ये कंफ्यूज नहीं होना, ये बंडीपुर ये उधर ही है, ठीक है। ये अलग अलग जगह पर, ये बीजापुर में है और ये अपने बिहार में भी है गोल गुंबज, ठीक है। अपना जो बिहार का जो गोल गुंबज बनवाया गया है, ये शायद बनवाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, मैं सही कह रहा हूँ छाया? कंफर्म। हाँ आई गेस वो बनाया गया है अंग्रेजों के ही द्वारा, आप एक बार चेक कर लेना, बिहार का गोल गुंबज, और उसे अनाज इकट्ठा करने के लिए बनवाया गया था, लेकिन फिर बाद में उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कुछ इस हिसाब से कर दी थी कि दरवाजा अंदर के साइड से खुलेगा। अगर अब अगर अंदर के साइड से खुलेगा तो क्या होगा,
सिंपल सी बात है, अगर आप उसमें अनाज स्टोर करोगे तो आप उसे निकाल नहीं पाओगे। तो बड़ा ही कमाल का आर्किटेक्चर था उसका भी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। अंदर की तरफ से दरवाजा खुलेगा तो कैसे कोई करेगा। अब इन लोग को ये नहीं नजर आया कि बाहर की दौर से बना लेते, चेंज कर लेते दरवाजे का स्टाइल, का दिमाग नहीं चला, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, बंगाल में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप और नोट कर लो। बंगाल का आर्किटेक्चर हम लोगों ने देख लिया क्या? अभी देख लिया बंगाल का? हाँ ठीक है, उसमें कुछ और चीज नोट कर लो। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो थे, ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम पे थे। ठीक है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, पर यहाँ पे भी नोट कर लो, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में ही थे अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद फिर मालाधार बसु जो है, ये भी मैंने कल आपको बताया था वैसे, पर फिर से आप ये कर लो। मालाधार बसु जो थे, इन्हें पेट्रोनाइज किया था नुसरत शाह ने, नवाब नुसरत शाह ने। और मालाधार बसु कौन थे? इन्होंने किताब लिखी थी श्री कृष्ण विजय, श्री कृष्ण विजय। और इसी वजह से इन्हें टाइटल दे दिया गया था गुणराज खान, गुणों का राजा, यानी गुणराज खान, गुणराज खान। ठीक है, गुणराज खान। और इन्होंने क्या किया था कि भागवत पुराण को, विष्णु पुराण को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। ये भी चीज इन्होंने साथ में किया है। ठीक है, भागवत पुराण और विष्णु पुराण, इसको ये ट्रांसलेट करने का काम किया है किसमें, पर्शियन वगैरह में। उसके बाद फिर ना रामायण और महाभारत को भी ट्रांसलेट ट्रांसलेट करवाया था किसने? नुसरत शाह ने। जब मैंने आपको बताया नुसरत शाह कौन है, नुसरत शाह वही है जिसने की बालाधार बसु को पेट्रोनाइज किया है। ठीक है, नुसरत शाह ने बालाधार बसु को पेट्रोनाइज किया। मालाधार बसु जो है, इन्होंने भागवत पुराण को ट्रांसलेट किया, विष्णु पुराण को ट्रांसलेट किया, साथ ही नुसरत शाह ने रामायण और महाभारत को भी ट्रांसलेट करवाया। ठीक है, बंगाली, बंगाली लैंग्वेज में ये जो था महाभारत रामायण, आपको पता है कि संस्कृत में था, इसे बंगाली में ट्रांसलेट करवाने का काम किसने किया? नुसरत शाह ने। मैंने इसमें एक चीज क्या बताया था, नुसरत शाह ने बंगाली भाषा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि बंगाली को प्रमोट करने वाला कौन था, तो नुसरत शाह। ठीक है, तो ये सब चीज है। उसके बाद शंकर देव जो थे, शंकर देव के बारे में बताया था कि वैष्णवाइट थे अहोम के टाइम पे, अहोम के टाइम पे, उसे बंगाल आर्किटेक्चर में ही या बंगाल के आर्ट एंड कल्चर में ही माना जाता है, क्योंकि अहोम साम्राज्य जो था असम में, असम बंगाल एक ही एरिया का, इसे बंगाल की ही उसमें आर्ट एंड कल्चर में आप इसे मान सकते हो। तो शंकर देव का भी आप इसमें उल्लेख कर लो, क्योंकि शंकर देव जो है वैष्णवाइट है और अहोम साम्राज्य में थे। ठीक है, ये सारा हो गया। ऑल राइट, अब देखो इसमें ना सीधा सीधा मुगल का आ गया। इसमें एक और चीज नोट कर लो, इसमें दे नहीं रखा, उड़ीसा, उड़ीसा नोट कर लो, उड़ीसा नोट कर लो। उड़ीसा में गंगा डायनेस्टी जो है उसने बनवाया था बहुत सारे मंदिर, जिसमें कि एक बड़ा फेमस है कोणार्क का मंदिर। कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का मंदिर आपने देखा होगा, बड़ा ही सुंदर सा है, बड़ा ही फेमस सा है कोणार्क मंदिर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो ये किसने करवाया था, गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था कोणार्क। पिक्चर है, बताओ होगा कोई, मैंने पढ़ा रखा है वैसे ही से, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा रखा है मैंने। कौन से स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है बताओगे? बोलो बोलो बोलो। मैंने आपको कौन, अच्छा चलो ये बताओ, मैंने आपको कौन कौन से बताए थे आर्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? अगर ये उड़ीसा का है तो उड़ीसा स्टाइल ही होगा ना। उड़ीसा स्टाइल कौन सा था? उड़ीसा स्टाइल उड़ीसा स्टाइल कौन सा था? हम लोगों ने कौन कौन से स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़े थे? वैसे तो उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेफिनेटली, अगर बंगाल का होगा तो बंगाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होगा, उड़ीसा का होगा तो उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होगा। लेकिन हम लोगों ने पढ़े कौन कौन से थे, जो दो इंपॉर्टेंट है, वैसे कि नागरा स्टाइल और द्रविड़ियन स्टाइल, इसमें से कौन सा है? नागरा है कि द्रविड़ है या फिर विसारा है? नागरा हाँ मिक्स वाला हो, मतलब नहीं, नागरा नागरा होगा स्टाइल ऑफ क्योंकि आर्किटेक्चर में ही इसे माना क्योंकि जाता है। हाँ क्योंकि इसमें शिखर है, कुछ थोड़ा सा मंडप टाइप है जो हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली, ये हम लोग साथ में वो भी चीज को रिलेट करते हुए चल रहे हैं। तो ये क्या है, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। विद्यानंद लगता है सो गए। ठीक है, इनका कोई उत्तर नहीं आ रहा है, अब हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, तो गंगा डायनेस्टी ने बेसिकली कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद फिर क्या है, मैंने आपको कहा था कि गजपति डायनेस्टी इसके बाद आया। जब गंगा डायनेस्टी समाप्त हुई उसके बाद फिर वो लोग शासन नहीं कर पाए आक्रमणकारी, यहाँ पे गजपति डायनेस्टी ने ही उसे रिप्लेस किया। तो गजपति डायनेस्टी को फाउंड किया था सबसे पहले कपिलेंद्र देव ने। ठीक है, ये आप नोट कर लो,
कपिलेंद्र देव ने उसे फाउंड किया था, अगर नोट नहीं है तो। और जो जगन्नाथ पुरी की जो यात्रा है ना, आज जो बड़ी फेमस है जगन्नाथ पुरी की यात्रा, रथ यात्रा, आपने सुना होगा, वो इन्हीं के द्वारा बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करवाई गई थी। ऐसा नहीं कि पहले होती नहीं थी जगन्नाथ पुरी की यात्रा, होती थी, किंतु उसे बहुत लार्ज स्केल पे पॉपुलराइज करवाने का काम किन्होंने किया था, ये गजपति रूलर ने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सरला दास नाम के थे, ठीक है, सरला दास नाम के एक राइटर थे, ऑथर थे, जिन्होंने कि उड़िया महाभारत लिखा था, उड़िया महाभारत, उड़िया महाभारत, सरला दास, सरला दास, उड़िया महाभारत, ठीक है, सरला दास, उड़िया महाभारत, उड़िया महाभारत, ठीक है, हो गया। अच्छा, मैंने आपको जौनपुर में एक और चीज कल ही बताया था, यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है जौनपुर के ही, उधर जौनपुर में ही क्या लिखा था, पद्मावत, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी, कहाँ पे, तो यहीं पे जौनपुर में ही लिखी थी। हालांकि ये जौनपुर जब बना था, और बेसिकली कौन सा स्टाइल था इसका, किस के साथ साथ जो था, मैंने क्या बताया था अभी, क्या बताया था, सरकी, सरकी, ठीक है, तो सरकी के टाइम पे नहीं था ये मलिक मोहम्मद जायसी जब जौनपुर को स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन जौनपुर स्टाइल में ही आता है, तो जौनपुर में ही मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म होता है 300-400 साल के बाद लगभग, और वहां पे वो पद्मावत लिखता है, ठीक है, ये भी चीज मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, ठीक है। जौनपुर या उड़ीसा कहाँ पे लिखता है? क्या बोला, कहाँ पे लिखता है, जौनपुर में या उड़ीसा में? जौनपुर में, जौनपुर में, जौनपुर में, जौनपुर यूपी, ठीक है, बीजापुर में ना, इसमें नितिन सिंघानिया में नहीं दे रखा, इसमें कुछ और चीज नोट कर लो, जैसे कि फरिश्ता है ना, फरिश्ता इसी के टाइम पे आता है, फरिश्ता एक ऑथर है, ठीक है, वो इसी के टाइम पे आता है, और ये आदिल शाह को अबला बाबा भी कहा जाता है, आदिल शाह ही इसका है पूरा करता धरता, हम लोगों ने देखा बार बार, ठीक है, तो आदिल शाह जो है वो क्या है, अबला बाबा कहा जाता है, अबला बाबा यानी कि क्या, अबलाओं का बाबा, गरीबों का रहनुमा, ठीक है, तो गरीबों का रहनुमा इसे कहा जाता है। इसने ना, आदिल शाह ने किताब लिखी थी म्यूजिक के ऊपर, जिसको ही कहा जाता है किताब ए नवरस, किताब ए नवरस, किताब ए नवरस भी कहा जाता है। सर मेरी आवाज नहीं जा रही थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है विद्यानंद, सर नहीं आ रही थी नहीं, अभी आई। सर, मैं उस समय बोला भी था अच्छा, नहीं मुझे नहीं तो आ रही थी फिर आवाज। आप रिप्लाई नहीं दिए, तो फिर मैं लिख लिख के भेजा। अच्छा, नहीं, मुझे आवाज नहीं आई थी, खैर कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो बेसिकली इसने, आदिल शाह जो था इसे अबला बाबा कहा जाता है, क्योंकि ये गरीबों का रहनुमा माना जाता है, इसने किताब लिखी थी म्यूजिक बुक का, जिसे कि किताब ए नवरस कहा जाता है, किताब ए नवरस। अब देखो यहाँ पे कितना बढ़िया कम्बिनेशन हो रहा है, नवरस अपने संस्कृत भाषा का है, ठीक है, और ये जो है इसने लिखा है म्यूजिक के ऊपर, तो ये कल्मिनेशन हो रहा है अपना संस्कृत भाषा का, पर्शियन स्टाइल का कल्मिनेशन हो रहा है, तो किताब ए नवरस, ठीक है, तो ये चीज है। अब हम देखेंगे क्या मुगल आर्किटेक्चर को, मुगल आर्किटेक्चर जब आता है ना, तो बड़ा ही फेमस होता है, बहुत कुछ बड़े बड़े चीज सब आर्किटेक्चर सब बनते हैं, तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे काम होता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बाबर, हेडिंग डाल लो पहले मुगल आर्किटेक्चर, और उसमें डाल लो क्या, बाबर, बाबर को डाल दो। बाबर ने ना आराम बाग बनवाया था आगरा में, ठीक है, आराम बाग, अभी कहाँ पे बनवाया था उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इसने आराम बाग बनवाया था, यानी कि आराम करने के लिए बगीचा बनवाया था बाबर ने, ठीक है, तो बाबर ने वो काम किया था सिंपल सा, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था, और बाबर का तो मकबरा भी नहीं है। उसका कहता है हुमायूं, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं ने ना एक शहर बनवाया था दीन पनाह नाम से, इससे पहले हम लोगों ने जहां पनाह देखा, जहां पनाह अलग है, दीन पनाह अलग है, ठीक है, इसने दीन पनाह बनाया है, हुमायूं ने दीन पनाह बनाया है, ये आपको बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, तो दीन पनाह और जहां पनाह अलग अलग है, तो दीन पनाह किसने बनवाया, हुमायूं ने, ठीक है, हुमायूं ने दीन पनाह बनाया, दीन ए पनाह, ठीक है, क्यों बनवाया था इसे, क्योंकि उसे लगता था कि अगर आगरा को कभी हटाना पड़ जाए तो दूसरा शहर होना चाहिए, तो चलो ठीक है दूसरा महल बनवाते हैं, दूसरा शहर बनवाते हैं, दीन ए पनाह, वो भी दिल्ली में बनाएंगे। पहले इन लोग का जो बाबर आया था ये आगरा में आया था, ठीक है, स्टार्टिंग में मुगल जो है ये आगरा में आके बसे थे, किंतु फिर दिल्ली में बनाया गया दीन ए पनाह हुमायूं के द्वारा,
ठीक है, उसके बाद फिर आगरा में इसने मस्जिद बनवाया, फतेहाबाद में मस्जिद बनवाया, इतना समय ध्यान में याद जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस देखने की जरूरत है कि इन लोगों ने ना चहार बाग को वो किया, बनाया था, ठीक है, उसी की कैसे रिलेट किया मैं बताता हूँ। देखो, इसने प्रॉपर एक चौकोर वो लिया, जमीन का टुकड़ा, ठीक है, इसे इस तरीके से बनाया गया ताकि जैसे जन्नत होता है ना, जन्नत की तरह इसे बनाया गया, ठीक है, जन्नत की तरह। अब इन लोग का जन्नत का कंसेप्ट जो होता है उसकी तरह, चार भागों में डिवाइड करके कुछ ऐसा, ठीक है, और बेसिकली चार बाग ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार से मरने के बाद उन्हें प्राप्त होता है उस प्रकार का जन्नत यहाँ पे जन्नत के स्टाइल में बनाया जाएगा। हुमायूं का मकबरा उसी स्टाइल में बना है, और यहाँ पे कुरान के ना आयत नंबर 25 में, आई गेस 25 में लिखा हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है कि जन्नत में कैसी कैसी है, वहां पे नदियां बहती है, पानी की नदी, दूध की नदी, शराब की नदी और शहद की नदी, तो चार प्रकार की नदियां बहती है, तो उस प्रकार से इसको बनाया गया था, चार प्रकार का पानी का एरिया छोड़ा गया था नदियों का, इस प्रकार का कुछ किया गया था, तो लश ग्रीन इसमें था पूरा पूरा, इसमें हरियाली थी सब कुछ। तो ये बेसिकली जो किताब में लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार से इसे इमिटेट करने का प्रयास किया गया था, ठीक है, चार बाग स्टाइल। इसके टाइम पे हुमायूं के टाइम पे, हुमायूं बहुत बड़ा जन्नती आदमी था, तो जन्नत के ही जैसा उसने सब कुछ करने का सोचा, ये सोचा कि मरने का पता नहीं जन्नत मिलेगा कि नहीं, यहीं पे बना लेते अपने लिए जन्नत। ऑलराइट, अगला था शेरशाह। शेरशाह, अब देखो सारा सीक्वेंस हमें क्लियर है, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, तो सीधा शेरशाह आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, इसने बनाया था पुराना किला, आपने पुराना किला देखा होगा दिल्ली में, अगर कभी गए होगे तो, पुराना किला ये बनवाया था किसने, शेरशाह सूरी ने, जिसे कहा जाता है किला ए कुहनुआ, कुहुना, किला ए कुहुना, किला कुहना जो है ये बनवाया था किसने, शेरशाह सूरी ने। उसके अलावा फिर शेरशाह सूरी मस्जिद बना था पटना में, ठीक है, एक मस्जिद बना था पटना में, और एक रोहतास का किला बना था पाकिस्तान में। अब देखो रोहतास से आप ये मत समझ लेना कि रोहतास जो है ये बिहार में है तो बिहार में होगा, नहीं, रोहतास जिला है बिहार में, लेकिन ये किला बनाया था कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। हालांकि इसमें रोहतास बिहार से भी रिलेटेड है, मैंने आज जब आपको कल बता रहा था तो बताया था कि छुपा था चुनार के किले में, ठीक है, उसके बाद जब उसे घेर लिया था हुमायूं ने तो क्या किया था, वहां से भाग करके कहाँ गया था, तो रोहतास में जाके छुपा था ये, तो रोहतास से इसका कनेक्शन अवश्य है, ठीक है, बिहार के रोहतास से, किंतु बिहार के रोहतास में इसने किला नहीं बनवाया था, ये बनवाया था कहाँ पर, हाँ ये बनाया था पाकिस्तान में, ठीक है। उसके शेरशाह सूरी मस्जिद भी है पटना में, ठीक है, तो ये सब चीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था, ये आपने बहुत फेमस सुना होगा, बड़ी सी सड़क बनवाई थी इसने जो कि बहुत बड़ा, मतलब ईस्ट को वेस्ट से एकदम कनेक्ट करती थी, मतलब ये समझ लो कि इतना जबरदस्त पूरा कंस्ट्रक्शन करवाना, सड़क ए आजम, मतलब बड़ा सा सड़क बनवाना, ठीक है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि पहले ना मौर्यन रूट था लेकिन वो पुराना हो चुका था, टूट फूट गया था, किंतु अब इसे दोबारा से रेनोवेट करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। मौर्य टाइम पे देखो इतना पहले बना था, उस बाद से किसी ने प्रयास किया नहीं मौर्यों के बाद से, तो इसने प्रयास किया ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाने का, क्यों बनवाया था, ताकि ट्रेवलिंग आसानी हो सके, मिलिट्री पर्पज से उसे आसानी हो सके इधर से उधर ट्रेवल करने में, जो अपना ट्रेड होता है, ट्रेड जो है वो आगे बढ़ सके आसानी से, तो ये सब चीज है। उस बाद से शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे, सासाराम बिहार में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है, तो शेरशाह सूरी भी हो गया। अकबर की बात करते हैं, अकबर ने बहुत कुछ किया था, अकबर ने बहुत कुछ किया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो क्या करता है अकबर, अकबर क्या करता है, अकबर सबसे पहले आगरा का किला बनवाता है, ठीक है, अकबर सबसे पहले आगरा का किला बनवाता है, उसके बाद फिर और क्या करता है, ये देखो जैसे लोधी के टाइम पे डबल डोम था ना, तो इन लोग का भी डबल डोम ही रहता है, ठीक है, डबल डोम ही रहता है। आगरा में ना अकबर का मकबरा बना है जो कि जहांगीर ने बनवाया, तो जहांगीर ने बनवाया, लेकिन अकबर का मकबरा इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो अकबर का टोम है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अकबर टोम, इसकी कुछ खास बात है, क्या खास बात है वो है ना, अकबर का टोम आप ही बताओगे कि इसमें अकबर का जो मकबरा है इसकी खास बात आपको क्या नजर आ रही है, बोलो देख करके। मीनार बनी हुई है। मीनार तो आपकी और भी जगह बनी हुई है, इसमें ये कोई खास बात नहीं है, आर्च है इसमें, मीनार है, सब चीज है इसमें, कुछ स्पेशल है जो बाकी जगह पे नहीं होता। काफी डिजाइन की गई है। डिजाइन तो ठीक है होता है, लाल किले को देखो आपको उसमें डिजाइन देखने को मिलेगा, या फिर और डिजाइन आपको मैंने कहा था रेड सैंडस्टोन से जो बनता है उसमें डिजाइन है, जो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था उसी टाइम पे, और कुछ इसमें स्पेशल आर्चेस आर्चेस का स्टाइल डिफरेंट है थोड़ा आर्च, नहीं वो भी कोई सा। इम्पोर्टेंट नहीं, वो भी ऐसा पहले हमें देखने को मिलता है।
विद्यानंद। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि सारा कुछ तो जो बताए वही वही मुझे भी लग रहा था। अरे मेरे प्यारे बुड़बक, इसमें डोम कहीं पे नजर आ रहा है क्या? डोम डोम, जितने मस्जिद हम देखते हैं, जितने मकबरे देखते हैं, सब में डोम होता है, ठीक सब है? में डोम होता है ये सर। इसमें डोम नहीं है, ठीक है? ये सबसे खास बात है इसकी कि इसमें डोम नहीं है, विदाउट डोम है। और साथ में ना ये फ्लैट रूफ है, देखो फ्लैट, यहाँ पे आपको रूफ नजर आएगा एकदम चपटा रूफ, जो कि जनरली हमें देखने को नहीं मिलता इस्लामिक आर्किटेक्चर में। ये अकबर के साथ हुआ है ये चीज, ठीक है? इसमें कहा जाता है ये है कि बुद्धिस्ट पगोड़ा के स्टाइल में बनाया गया, जैसे बुद्धिस्ट स्टाइल था, बुद्धिस्ट स्टाइल में इसे बनाया गया है। तो जो भी रीजन हो, ठीक है, बुद्धिस्ट के स्टाइल में बनाया हो गया हो, चाहे जो भी हो, बट इतना तो क्लियर है कि इसमें डोम नहीं है। और ये इस बात का भी द्योतक है कि अकबर जो है थोड़ा टॉलरेंट था बाकी की अपेक्षा, तो इसलिए इसने कहा होगा कि भाई डोम मत बना, इंडिया के स्टाइल में बना, इंडिया उसका मिक्स कर दे। तो देखो ये इस प्रकार का ये तो है, लेकिन डोम नहीं है ऊपर, ठीक है? तो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है? ये आपको ध्यान रखनी है। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था, अकबर ने खुद नहीं बनवा दिया था। उस आप इसने अपनी नई शहर बसाया था फतेहपुर सीकरी, ठीक है? फतेहपुर सीकरी। तो इससे पहले और किस किसने शहर बसाया था बताओ मुझे, याद करवाओ, कौन कौन सा शहर बसाया गया था इससे पहले? हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, सबसे पहले खिलजी वालों ने सीरी नाम का किला बनवाया था, सीरी नाम का वो बनवाया था, ठीक है, अलग शहर, ठीक है? उसके बाद फिर और किसने किया था? जौनपुर में बनवाया गया था, ठीक है, शर्कियों के द्वारा। और उसके बाद फिर अभी ये है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी बनाया गया है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या है, सलीम चिश्ती का ये मकबरा बनवा था। सलीम चिश्ती हम लोगों ने देखा, चिश्ती सिलसिला का ये, उसका फिर बुलंद दरवाजा हो गया। या फिर बुलंद दरवाजा की खास बात, चलो बुलंद दरवाजा देखते हैं, उसका खास बात बताएंगे। बुलंद दरवाजा, करो बुलंद दरवाजा ही है क्या? एक सेकंड रुको, मैं बात कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, बुलंद दरवाजा बताओ, खास बात बताओ। देखो इसे ध्यान से और बताओ किसने क्या है बुलंद दरवाजे में। रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, फ्लैट अच्छा ठीक है, फ्लैट है, है, ठीक है, काफी और जो थ्री साइड से वो ज्यादा बना हुआ है, है। थ्री डायमेंशनल हम कह सकते हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशनल तो सारे होते हैं बेसिकली, ये कई सारे साइड्स हैं इसमें, ठीक है? मे बी ऑक्टागोनल हो, है ना, वो कह सकते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, जो शायद आपको नजर नहीं आएगा, कोई पहली बार देख रहे हो किसी को नजर नहीं आएगा, इसका जो गेटवे है ना, ये गेट जो आपको नजर आ रहा है, ये हाफ डोम से बना हुआ है, हाफ डोम। आप ध्यान से देखो इसमें अंदर ना, आपको खोखला नजर आएगा डोम की तरफ, पर आपको डोम नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर डोम नहीं है, किंतु अंदर से ये बना हुआ नजर आ रहा है डोम जैसा, ठीक है? इसे कहा जाता है हाफ डोम, तो ये बनवाया गया था, ठीक है? इसका जो गेटवे है ये हाफ डोम से बनवाया गया है। ये बुलंद दरवाजा, इसकी ये स्पेशल फीचर है, ये टेढ़ा है, जैसा कि हमें दूसरे भी स्टाइल में देखने को मिलता है, ठीक है? कौन से स्टाइल में हमें तिरछा देखने को मिलता है, अभी पढ़ाया है, कौन से स्टाइल में ये 70 डिग्री टिल्टेड नजर आता है हमें, या और बाकी टिल्टेड नजर आता है? बोलो, अभी अभी पढ़ाया है, 10 मिनट पहले। एक वर्ड बताओ। जो बीजापुर का किंगडम है, बीजापुर में हिंडोल महल हम लोगों ने देखा था, वो ऐसा ही टिल्टर था, हाँ तो उसी के स्टाइल पे ये भी था, ठीक है? ये चीज है, ऑल राइट। उससे आज फिर आप देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। इसमें एक ही सा दे रखा है क्या सारा? एक सेकंड, अकबर, तो अकबर ने आगरा का किला बनवाया था, कि आगरा का किला बनवाना इसने शुरू किया था, जिसे ही कंप्लीट करवाया था शाहजहां ने। तो शाहजहां के टाइम पे ना बहुत सारा काम हुआ था, मतलब अगर कभी कहे कि अगर भारत का आर्किटेक्चर का ग्लोरियस जो टाइम था वो किसके टाइम पे था, आप कहोगे शाहजहां के टाइम पे था, ठीक
ठीक है, तो शाहजहां के टाइम पे ये ग्लोरियस आपको देखने को मिलेगा अपना आर्किटेक्चर स्टाइल, उससे पहले हुआ करता था लेकिन उस बड़े स्तर में नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है। इसमें ना इसने कुछ खास चीजें बनवाई थी, खास वो बनवाए थे इसने आर्किटेक्चर, जैसे कि मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद जो है ये शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद देखने को जब आप देखोगे ना तो बड़ा ही पुअर है, बड़ा ही अजीब सा देखने में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके इसके बारे में, आप खास चीज बताओगे मोती मस्जिद। मस्जिद ये देखो, मोती मस्जिद बलबोज डोम है इसका, ठीक है, प्याज की तरह। उसके बाद फिर क्या है इसमें, ये व्हाइट मार्बल टाइप से लग रहा है कि व्हाइट मार्बल का बनाया हुआ है, लेकिन ये लग रहा है ताजमहल के टाइप से बनाने की कोशिश की गई है पर बन नहीं पाया है, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं मानी जाती मोती मस्जिद की फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। ये देख लो, बेसिकली ध्यान में बताने के लिए क्या है, और कुछ नहीं है। तो मोती मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने, साथ ही दीवाने खास, दीवाने आम। दीवाने आम क्या होता है, जहाँ पे की आम लोगों से बात करना, दीवाने खास क्या होता है, जहाँ पे की कुछ इंपॉर्टेंट लोग से बात करना प्राइवेट ऑडियंस में, ठीक है। शाहजहां ने दीवाने आम, दीवाने खास से बनवाया था, जहांगीरी महल बनवाया था, ठीक है, शीश महल बना था, शीश महल में लोग नहाते थे ये लोग सब करके से स्टाइल में, ठीक है, और जो गार्डन है ना वो चारबाग स्टाइल में बनाया गया है, वही चीज जन्नत के जैसा, ठीक है, देखने में। फतेहपुर सिकरी बने, आपको बता फतेहपुर सिकरी में कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो देख लो, जिसकी बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा है, ठीक है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ बुलंद दरवाजा, और ये हाईएस्ट गेटवे ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, बुलंद दरवाजा को हाईएस्ट गेटवे ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो बात देख लो कैसा है बुलंद दरवाजा, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी देखा था वैसे, पर ये दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट गेटवे इसे कहा जाता है, ठीक है, इतना ऊंचा देखो कितना ऊंचा है इसका गेटवे, आदमी सब इसके सामने मटर के दाने की तरह लग रहा है, तो इतना ऊंचा इसका गेटवे बना रखा है ये बुलंद दरवाजा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये, तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बसाया गया है, तो अकबर के द्वारा, ठीक है, ये चीज है, ये सारी चीज आपको कोरिलेट करते हुए चलनी है। ऑल राइट, सलीम चिश्ती का इसमें मकबरा बनाया गया है, सलीम चिश्ती मैंने आपको बताया। फिर पंचमहल बनवाया गया है, पंचमहल क्या है, 5 स्टोरीड कॉलम से बनाया गया है, ठीक है, और उसके बाद फिर जोधाबाई का पैलेस, अब देखो जोधाबाई एक्चुअल में कोई नहीं है लेकिन जोधाबाई के नाम पर पैलेस इसने रख दिया, ठीक है, मरियम उस जमानी का पैलेस। अब देखो ये जो है ना जोधाबाई, एक्चुअली जोधाबाई की थी हरकू बाई थी, तो मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे गलत दे रखा है, तो हरकू बाई जो है उसको पहले नाम था क्या, मरियम उस जमानी, मरियम उस जमानी, उस जमाने में मरियम जो थी वो, ठीक है, तो मरियम उस जमानी सेम नाम था, ठीक है, जिसमें कि हिंदू बेल वगैरह का, हिंदू फ्लावर्स वगैरह का यूज किया जाता है। इबादत खाना बनाते हैं, इबादत खाना क्यों बनाते हैं अकबर, ताकि इसमें अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग सेक्ट के लोगों के साथ वो बात कर सके, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जितने भी लोग हैं सबके साथ बात कर सके। तो 25 कोर्ट बनाता है जहाँ पे कि चेस खेलता है, ठीक है, देख लेना ये सब कोई इतना वो नहीं है। फिर है हिरान मीनार, हिरन मीनार बनाता है, तो हिरन मीनार क्यों बनवाता है, क्योंकि अकबर का जो फेवरेट हाथी था ना वो मर गया, ठीक है, इस वजह से हिरन मीनार ये बना दिया। अब कहना चाहिए आपको कि ये तो हाथी मीनार बनाता, हिरन मीनार क्यों बना, कोई बना दिया उसकी मर्जी है, ठीक है, वो चीज है। उसे फिर गोविंद देव का मंदिर भी बनवाया है, वो गोविंद देव का मंदिर एक बार आप देख लो कैसा दिखता है, अगर फोटो इसके अवेलेबल है तो, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, मंदिर नहीं तक मूर्ति है, अपनी तरह तो मूर्तियां देखने को मिलती है, मंदिर तो कहीं मिलती है हमें, गोविंद देव टेम्पल, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है गोविंद देव मंदिर, ये तो जयपुर का है, कहीं कभी, कहीं कभी कुछ कुछ दिखाता रहता है, चलो आप सर्च कर लेना, वैसे ये रहा, ये देखो ये है गोविंद देव मंदिर, ठीक है, गोविंद मंदिर बनवाया था अकबर ने, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब अकबर ने मंदिर भी बनवाया था, जैसे बाकी वाले लोग आप नहीं सुनते इसका सुनते हैं, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में बनवाया था। ये देख लो बुलंद दरवाजा दे रखा है, फतेहपुर सीकरी दे रखा है, हुमायूं का मकबरा दे रखा है, ठीक है, सलीम चिश्ती का मकबरा दे रखा है। अरे इसमें ना जाली वर्क यूज हुआ करता था, ये इस प्रकार का जो आपको जाली नजर आ रहा है ना, ये जाली वर्क यूज हुआ करता था, क्यों ये जाली वर्क होता था आप मुझे बता सकते हो, जाली वर्क ऐसा क्यों किया जाता था, जाली वर्क क्यों किया जाता था, पक्षी वगैरह ना आ जाए। तो फिर इसे बंद क्यों नहीं कर देते हम, बंद कर दो प्रॉपर, जाली वर्क क्यों किया जाएगा, पंछी को नहीं दिखने में अच्छा लगता है, कुछ बंद कर अलग दो। हाँ दिखने में अच्छा लगता है, कुछ अलग करना चाह रहा हूँ। चलो दिखने में अच्छा, एक पॉइंट और पॉइंट आया, और पॉइंट बताओ, छाया हो या सो गई, पता नहीं हाँ जगी हूँ। ठीक है बोलो,
क्या हुई एनवायरमेंट को, मतलब जैसे आप उसमें पीछे बताए थे ना कि उसमें हवा जाने के लिए बड़े बड़े खिड़कियां हाँ बनाए थे, तो हाँ ये भी हो सकता है कि हवा वगैरह बंद रहने पे भी जाए। एग्जैक्टली देखो हवा आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट देखो हवा आना बहुत इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली हवा आ रही है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है रोशनी आ रही है। ये हवा और रोशनी दो इम्पोर्टेंट रीजन है जिस वजह से कि बनाया गया है, ठीक है, दो रीजन हवा और रोशनी। मतलब सीक रेसी भी रहे थोड़ी सी, और मतलब हवादार भी रहे। एग्जैक्टली, और जो देखने में सुंदर है वो भी हो जाए, और साथ में चिड़िया भी ना पाए, वो भी रीजन है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही बोला, चिड़िया भी नहीं आ पाएगी इस समय। ये जवाब तो क्यूट क्यूट देता है। जहांगीर के टाइम पे क्या होता है ना कि अब ये बनना थोड़ा बैक सीट पे आ जाता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आर्किटेक्चरल काम हो नहीं पाता। इसका रीजन क्या है ये बताएगी छाया, क्योंकि छाया ने पढ़ रखा है जहांगीर के टाइम पे आर्किटेक्चरल जो तो डेवलपमेंट है ये बैक सीट क्यों ले लेता है। क्योंकि वो मतलब ऑल द टाइम जो है वो उसी में वॉर वगैरह में ही रहता है शेरशाह सूरी के साथ, या हम कहेंगे उसका जो शासन है वो स्टेबल नहीं होता है। शेरशाह सूरी ये इसके कंटेम्पररी है। ठीक अच्छा सॉरी, हुमायूं, सॉरी। है, अब बोलो, दोबारा सोचो सोचो, 1 मिनट सोच के फिर बोलो। क्योंकि वो आर्किटेक्चर से ज्यादा पेंटिंग्स पे फोकस कर रहा था। एग्जैक्टली, जो जहांगीर है ना, जहांगीर जो था बहुत बड़ा पेंटर बनना चाहता था, मतलब वो पेंटिंग का शौकीन था। तो जहांगीर के टाइम पे ना पेंटिंग का विकास होता है, और आर्किटेक्चर जो है ये बैक सीट पर चला जाता है, क्योंकि देखो जिसको जिस पर इंटरेस्ट है ना, ये तो इंटरेस्ट की बात है। अब जैसे शाहजहां आएगा, शाहजहां जो है उसे आर्किटेक्चर का फिर से बड़ा भूत सवार होगा, और वो ताजमहल बना के चला जाएगा, ठीक है, तो शाहजहां वो करेगा, लेकिन इसको मन था पेंटिंग का, तो इसलिए पेंटिंग का इसके टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अब पेंटिंग देखोगे इसने बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है, हालांकि इसने ऐसा नहीं आर्किटेक्चर का काम नहीं किया, बहुत सारे इसने आर्किटेक्चरल काम करवाए, जैसे हम लोगों ने देखा मोती मस्जिद बनवाया है इसने, ठीक है, मोती मस्जिद लाहौर में है, ठीक है, शालीमार बाग जो है ये कश्मीर में है, ये इसने बनवाया है, अकबर का जो मकबरा है ये भी इसने ही बनवाया है, ऑब्वियसली उसका बेटा ही तो बनवाएगा, अकबर का मकबरा जो है उसके बेटे ने बेटा ही बनवाएगा, ये सब बनवाता है, तो बेसिकली कुछ चीजें हैं जो कि करवाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, इत्तमादुद दौला टॉम, इत्तमादुद दौला का मकबरा, ठीक है, इत्तमादुद दौला कौन है, इत्तमादुद दौला है नूर जहां का पापा, शायद हाँ 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ, फादर ऑफ नूर जहां, ये है नूर जहां का पापा इत्तमादुद दौला। नूर जहां कौन है, वो उसकी वाइफ, ठीक है, नूर जहां कौन है, इसकी वाइफ है, तो नूरजहां इसकी वाइफ है, और उसका पापा यानी कि अपने ससुर जी के लिए बनवाया था इत्तमादुल दौला, उसके लिए बनवाया था क्या, किला, ये देखो ये किला बनवाया था इसने, एक मकबरा बनवाया था इसने, ठीक है, तो ये बेसिकली अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और अपने ससुर से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था, ऐसा प्यार भगवान सबको दे। सही कहा मैंने, आया सही कहा मैंने विद्यानंद। यस ठीक है, आ जाओ शाहजहां पे, शाहजहां ताजमहल, ताजमहल बनवाता है, ठीक है, आपको पता है ताजमहल को कई लोग कहते हैं कि तेजो महल है, ठीक है, वहां पे महादेव का मंदिर, महादेव के मंदिर के ऊपर वो बनाया गया है, और जो भी है हम तो उसे चेक कर नहीं सकते हैं, अंदर जाना भी सरकार ने मना कर रखा है, तो क्या चीज अंदर में है किसी को पता नहीं, पर ताजमहल इसने बनवाया था, ठीक है, जाली वर्क करवाया था इसमें, ठीक है, बहुत आपने शायद ताजमहल को बहुत बार फोटो में दिख रखा होगा, ठीक है, जामा मस्जिद बनवाया है, शालीमार बाग बनवाया है, अच्छा देखो शालीमार बाग इसमें भी मिल रहा है, ऊपर भी मिल रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, सिंपल सा उसने शुरू करवाया होगा, इसने कम्प्लीट करवाया होगा, ऐसा हो सकता है। फिर शाहजहानाबाद जो है उसका शहर ये बनवाता है, शाहजहानाबाद उसका शहर बनवाता है ये, और एक पीकॉक थ्रोन बनवाता है, यानी कि मोर का एक वो बनवाता है सिंहासन, ठीक है, जैसे अपना फेमस है एक सिंहासन 32, इसका था सम्राट विक्रमादित्य का, जो कि राजा भोज बाद में उसका यूज करते हैं, ठीक है, सिंहासन 32 का, और यहाँ पे ये पीकॉक थ्रोन बनवाता है, यानी कि मोर का शेप का बनवाता है ये क्या, सिंहासन। मयूर सिंहासन, हाँ नहीं बोल रहा हूँ, मयूर सिंहासन। हाँ हाँ मयूर सिंहासन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और इसी पे वो जो है कोहिनूर का वो भी लगवाता है, जो कि हाँ बाद में फिर अंग्रेज ले जाते हैं। एग्जैक्टली, इसी पे कोहिनूर लगा हुआ है, जो कि बाद में अलग अलग लोग के साथ, बेसिकली कोहिनूर के बारे में ये कहना है कि कोहिनूर जो है ये कभी किसी ने खरीदा नहीं, एक हाथ से दूसरे हाथ में खाली ये ट्रांसफर होता रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, खाली ट्रांसफर होता रहा ये चीज, तो वो है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो ये देखो ये बीबी का मकबरा जो है, और औरंगजेब के टाइम पे ये सब बहुत कम हो गया, क्योंकि औरंगजेब हर चीज को हराम ही मानते, हराम वो हराम वो हराम सब कुछ हराम,
ठीक है, इस्लाम के अकॉर्डिंग सब हराम है। तो इसने ज्यादा कुछ तो नहीं करवाया, लेकिन हाँ इसने बीवी का मकबरा जरूर बनवाया, ठीक है, अपनी बीवी का इसने मकबरा जरूर बनवाया, जो कि एकदम देखोगे ना एकदम डिट्टो इसने कॉपी किया ताजमहल को कॉपी करने का। लेकिन जिसे देखो ये दो फोटो है, एक है ताजमहल और एक है बीवी का मकबरा, क्या दोनों में समानता नजर आ रही है भाई? डिट्टो बना है, डिट्टो बना है, लेकिन क्वालिटी देखो, ये है 1080 पिक्सल में, ठीक है, 1080 में है ये, जब फोन में चलाते होगे तो, या फिर 1140 में, आजकल तो 1140 आ गया है, ठीक है, और ये है किसमें 240 पिक्सल में, या 144 पिक्सल, 144 में ये 144 पिक्सल, इतना है, बाकी चीज सेम है, ठीक है, जैसा ये डिट्टो ये बना है, लेकिन ये 144 है और ये 1140 पिक्सल है, 1080 पिक्सल है, और ये है, ठीक है, इसने बीवी का मकबरा बनवाया था। इसने मुझे लगता है कि बीवी से, इसकी बीवी ने कहा होगा, देख मेरे लिए तूने कुछ किया तो नहीं है, एक चीज करवा दे कम से कम मरने के बाद, तो इसने वो जबरदस्ती सोचा होगा चलो बनवा देते हैं, लेकिन इसने ऐसा बना के छोड़ा ये। ऑलराइट, अब ना कुछ राजपूत स्टाइल का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। जैसे ये हवा महल है, हवा महल आपने सुना होगा जयपुर में है, ठीक है, बहुत सारे आर्च का इसमें बना हुआ है, ठीक है, और काफी ज्यादा हैंगिंग बालकनी इसे कहा जाता है, इसी कंसेप्ट यूज किया जाता है झरोखा सिस्टम को, ताकि बाहर से अंदर से सब कुछ बाहर दिखाई दे, बाहर से अंदर दिखाई ना दे, झरोखा हो और पूरा हवा पास होता रहे। ये कहाँ पे? जयपुर में, जयपुर राजा मानसिंह वाला, ठीक है, तो राजा मानसिंह का हवा महल, ठीक है, इसमें एक ही चीज दे रखा है, हालांकि इसके अलावा कीर्ति स्तंभ बनवाया है राणा सांगा ने, जब वो जीता था अपने गुजरात के राजा को हरा करके, गुजरात के सुल्तान को हराया था, तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, किंतु वो इसमें दे नहीं रखा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टाइल पे आ जाते हैं, सिख स्टाइल जो है ये क्या है, ये मुगल स्टाइल और राजपूत स्टाइल से काफी ज्यादा ये प्रभावित है, ठीक है। सिख स्टाइल आज आप देख लो कैसा दिखता है, ठीक है, सिंपल सा गुरुद्वारा आप देख लो, कोई सा हरमंदिर साहिब अमृतसर का, यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड है, ये सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। आप यहाँ पर दिल्ली में देख लो शीशगंज गुरुद्वारा है, इधर और भी कई सारे गुरुद्वारे हैं, आप यहाँ पर आगे देख सकते हो, गुरुद्वारे गए होगे तो कैसा स्ट्रक्चर है, सेम वैसा ही है, ठीक है। देखो इसके ऊपर आपको डोम भी नजर आता है, ठीक है, डोम नजर आ रहा होगा आपको, ये सर देखो ये डोम है आपका इधर, ठीक है, इधर ये कई सारे आर्चेज हैं इधर, तो ये डोम और आर्चेज इन सब का इस्तेमाल कर रखा है, तो इसमें मुगल का आर्किटेक्चर का, आप इस्लामिक आर्किटेक्चर का भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा प्रभावित है ये सब। और उसके बाद फिर हम आते हैं अवध का आर्किटेक्चर, तो अवध का आर्किटेक्चर कुछ खास नहीं है, इसमें रूमी का दरवाजा ये देख लो, रूमी दरवाजा देख रखा है, ठीक है, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, ये सब चीज दे रखा है, तो ये बनवाया गया था, और कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, ये कब बनवाया गया था, तो 18वीं 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था, और इसमें मुगल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है, ठीक है, साथ में इनोवेटिव आइडियाज के भी कुछ यूज किए गए हैं। इसमें क्या है कि कुछ तो रिलीजियस स्ट्रक्चर भी और कुछ सेकुलर स्ट्रक्चर भी है, इतना याद नहीं रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर इसे मोर्टार का यूज होता है, ना कि मार्बल पत्थर का या सैंड स्टोन का, ठीक है, मोर्टार का मतलब क्या होता है, ब्रिक का जो ईंट होता है, ईंट का डस्ट, ठीक है, उड़द का दाल, ठीक है, अब मोर्टार कैसे बनता है, तो ईंटों का बूरा, ठीक है, उड़द की दाल, चावल का, चावल के बाली का बूरा, ठीक है, और पेड़ का निकला हुआ गम, ठीक है, अपने गम वो नहीं है, वो, मेरा दिल ये पुकारे आ जा, ये वो वाला गम नहीं है, मेरे गम के सहारे आ जा, वो वाला नहीं है, ठीक है, गम मतलब की गोंद, ठीक है। कश्मीर का आर्किटेक्चर देख लो, ये मार्तंड सूर्य मंदिर, ठीक है, मार्तंड सूर्य मंदिर जो है, ये ललितादित्य मुक्तपीड़ एक शासक हुए थे, जिनका की शासन अब वहां पढ़ने को नहीं मिलता, किंतु ललितादित्य मुक्तपीड़ कौन थे, इनका शासन कैस्पियन सी तक था, ठीक है, आप कभी इनके बारे में देखना, यूट्यूब करना, गूगल करना, तो इनका शासन पूरा कैस्पियन सी तक फैला हुआ था, मतलब भारत का नॉर्दर्न एरिया से लेकर के कैस्पियन सी, कितना दूर है, यूरोप, यूरोप तक इनका शासन फैला हुआ था, इतने दूर तक इन्होंने जीत हासिल की थी, इतने दूर तक इनका साम्राज्य था, पढ़ने को नहीं मिलता, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है, बेसिकली इन्होंने बनवा, इनके टाइम पे बना था मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसे कि ना शैतान की गुफा के नाम से फेमस हो गया है, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इसका नाम शैतान की गुफा रख दिया बाद में, और ये शैतान की गुफा के ही नाम से जाना जाता है, गूगल करना शैतान की गुफा, आपको नजर आएगा मार्तंड सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर इकलौता अगर कहीं पे कश्मीर में है तो ये है, ठीक है, सूर्य मंदिर जिसे कि शैतान की गुफा कह दिया जाता है, आज सब लोग इसे शैतान की गुफा कहते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो मार्तंड सूर्य मंदिर हम लोगों ने देखा, सूर्य मंदिर तो सूर्यदेव के लिए होगा। उसके बाद फिर अवंतीपुर, अवंतीपुर जो है ये भगवान विष्णु के लिए बनाया गया था, और शिवजी को डेडिकेटेड, शिवजी और महादेव को बनवाया गया था, दोनों को डेडिकेट करते हो उत्तर डायनेस्टी के द्वारा। अच्छा ये जो ललितादित्य मुक्तपीड़ है ये कौन से डायनेस्टी से रिलेट करते हैं, टेराकोटा डायनेस्टी से, नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, याद रहेगा तो अच्छी बात,
टेराकोटा डायनेस्टी, ललिता मुक्त मुक्तपीड। यहाँ पे क्या उत्तर डायनेस्टी ने बनवाया है? अवंतीपुर, अवंतीपुर ठीक है, टेम्पल ठीक है, तंद्री तंद्रीथन मंदिर, ये देखो इस प्रकार का मंदिर, अरे देखते जाओ कैसा कैसा है ये, ठीक है तंद्रीथन। ये बेसिकली ना आप ये कोशिश करना, अगर ये आ जाए तंद्रीथन मंदिर तो पूछेगा कहाँ पे, तो कश्मीर में है ठीक है। कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है तो दिमाग में रखना कि कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इतना अगर आप बेसिक करोगे ना तो आपका काम हो जाएगा ठीक है। पंद्रीनाथ मंदिर कश्मीर, ममलेश्वर शिव मंदिर है, पारसपुर है, ये सब बेसिकली ये सब चीजें ज्यादा घूमिए। इस्लामिक में जामा मस्जिद आपने देखा होगा ठीक है, ये श्रीनगर का जामा मस्जिद है। देखो जामा मस्जिद आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जामा मस्जिद सिर्फ दिल्ली नहीं है, जामा मस्जिद आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, जामा मस्जिद आपको श्रीनगर कश्मीर में भी देखने को मिलेगा, जितने भी बड़े बड़े मस्जिद है ना उनको जामा मस्जिद कहते थे ठीक है। तो जामा मस्जिद वहां पे भी आपको देखने को मिलती है। तो जामा मस्जिद वहां का कैसा है श्रीनगर का, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा ठीक है। ये कैसा लग रहा है आपको देखने में, कि ऊपर कलश हो इसके, मंदिर हो मंदिर के ऊपर अमालक हो, अमाल देखो मंदिर के ऊपर अमालक हो, अमालक के ऊपर कलश हो, कलश के ऊपर नारियल हो, ऐसा देखने में लग रहा है, हालांकि वो सब है नहीं ठीक है, मुझे ऐसा देखने में लग रहा है, आप लोग को लग रहा हो, आई डोंट नो, मुझे भी आपको भी लगा ठीक है। तो बहुत सारे महल है, परी महल है, अलाई मस्जिद है, ये सब देख लेना, कोई वो नहीं है, शालीमार बाग है, निशान बाग है, बेसिकली यही सब चीज है। उसका जो पारसी पारसी कम्युनिटी का भी एक देख लो ठीक है, पारसी कम्युनिटी जो है, पारसी कम्युनिटी कौन है, बेसिकली फारस में रहते थे, पर्शिया में रहते थे, यानी ईरान में रहते थे, ईरान से इन्हें मार मार के भगा दिया गया, वहां पे शिया मुस्लिम का हो गया शासन, और उसके बाद फिर सबको जो बचे थे उन्हें कन्वर्ट कर लिया गया, कुछ बचे कुछ जो थे वो बाद में बस गए। बाद में आने के बाद आज देखते हो पारसी कम्युनिटी से कौन कौन निकलता है, रतन टाटा निकलता है, आधार पूनावाला निकलता है, साइरस पूनावाला जिसने की वैक्सीन को बड़ा बहुत ज्यादा बनवाया, आपने सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक वो है। तो बहुत सारे पारसी लोग निकलते हैं, एकदम सबसे छोटी माइनॉरिटी, और उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं ठीक है, उनको कोई नहीं डराता है, वो बिल्कुल डरी हुई कौम नहीं है ठीक है। तो ये लोग जो है ना सूर्य की बेसिकली आग की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं ठीक है। जैसे कि आठ आकाश बिहराम बनाया गया है ठीक है, बिहराम कहते हैं मंदिर, फायर मंदिर ठीक है, आतश बहराम, आतश बहराम ठीक है। बेसिकली क्या है, ये लोग अपने शव को ना ना तो जलाते हैं ना तो दफनाते हैं, क्या करते हैं, कोई किसी को आइडिया है क्या करते हैं अपने शवों के साथ क्या? चीलों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, चीलों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए इंडिया में जो वल्चर है, वल्चर की पॉपुलेशन जब कम हो रही है ना, तो पारसी लोग सब बहुत ज्यादा डर गए हैं कि ये लोग कहते नहीं वल्चर का कंजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर चील बचेंगे नहीं तो उनके शवों को खाएगा कौन, चीलों के खाने के लिए, ये उनका एक कल्चर है, ये उनका रूटीन है ठीक है। तो अपने कल्चर को बचाने के लिए भी हमें, उनके कल्चर को बचाने के लिए कल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम हमें चलाना बहुत आवश्यक है ठीक है। और दूसरा एक और रीजन है उसे बचाने का, बता सकता है कोई कल्चर को हमें क्यों बचाना चाहिए, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना, एक और रीजन है इंपॉर्टेंट क्यों? बोलो कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस होगा इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि वो सांप वगैरह को खाते हैं शायद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो सांप वगैरह को तो मोर भी खाता है ठीक है, सांप को मोर भी खाता है, लेकिन देखो क्या है, चील जो है ना टॉप प्रीडेटर माना जाता है, यानी कि टॉप प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, देखो एनवायरनमेंट में ना इकोलॉजिकल वो होता है, 10% रूल आप लोगों ने अगर साइंस के स्टूडेंट तो पढ़ा होगा, यही तो 10th तक तो पढ़ा ही होगा। देखो 10% रूल क्या होता है, ये दो अलग अलग चीज, मैं आपको दो अलग अलग कंसेप्ट बताऊंगा साइंस का, साइंस का। सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल होता है ना उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, यानी कि सूर्य के पास सबसे ज्यादा एनर्जी, सूर्य का 10% जो है वो लेता है कौन, चिड़िया, और सॉरी चिड़िया कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, पेड़ पौधे ठीक है, पेड़ पौधे को खाने वाले शाकाहारी जीव उसका 10% लेते हैं ठीक है, उसका 10% कौन लिए, उसको खाने वाले शाकाहारी जीव, और शाकाहारी जीव को खाने वाले मांसाहारी जीव उसका 10% लिए ठीक है। तो ये सब चीज 10% रूल ये है ठीक है। इसमें यहाँ पर जो आता है ना लास्ट में, इसे कहा जाता है टॉप प्रीडेटर, टॉप प्रीडेटर। यहाँ पर आप दो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ठीक जिसमें है, एक तो इसे कहा जाता है, मनुष्य आ जाता है, जिसमें हाँ मनुष्य, शेर और ये गिद्ध वगैरह ये सब सारा आ जाता है। हाँ, मनुष्य आ गए इसमें, शेर आ गए, गिद्ध आ गए, टॉप प्रीडेटर है, मतलब कि इनको जनरली कोई नहीं खाता, शेर को जनरली कोई नहीं खाता, इंसान को जनरली कोई नहीं खाता। आप लोग सर इंसान को तो शेर खा जाता है, हाँ खा जाता है, तो इसलिए शेर को आप डाल लो टॉप प्रीडेटर में, लेकिन वैसे इंसान जो इंसान को जनरली कोई नहीं खाता। अब इसमें क्या है कायदे से, कि सबसे कम एनर्जी मिल रही है, देखो अगर आपके पास 10,000 यूनिट है ठीक है, 10,000 उसका 10% सूर्य के पास सपोज 10,000 यूनिट का एनर्जी है ठीक है, पेड़ के पास कितना आएगा, 1,000 यूनिट है, उतना ही आएगा 1,000 यूनिट, शाकाहारी जीवों के पास कितना आएगा,
100 यूनिट, ठीक है 100 यूनिट आएगा। जो छोटे छोटे मांसाहारी जीव जो उसे खाते हैं उनके पास कितना आएगा, 100 यूनिट, ठीक है। और उन छोटे मांसाहारी जीवों को खाने वालों के पास कितना आएगा, 10 यूनिट। यानी कि इतनी कम एनर्जी इनके पास बचती है, फिर भी इसे टॉप प्रीडेटर कहा जाता है। ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, इनको एनर्जी सबसे कम मिल रही है लेकिन ये टॉप प्रीडेटर है, ठीक है, टॉप प्रीडेटर भी है और सबसे कम एनर्जी भी मिल रही है। तो इन्हें ज्यादा चीजों को खाना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा चीजों को खाना पड़ेगा। बेसिकली ये कुछ चीजें, ठीक है, साइंस में घुस गया, बाद में कभी देखेंगे जो एनवायरमेंट पढ़ रहे होंगे। तो बेसिकली पारसी पे हम लोग, ठीक है, ये सब हो गया। सूर्य मंदिर सबके नाम दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि मुढ़ेरा सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, आप एक बार लिस्ट देख लेना, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण्य देव मंदिर उन्नाव में है, सूर्यनार मंदिर, ठीक है, कुंभकोणम मंदिर, सूर्यनारायण मंदिर, दक्षिणार्क मंदिर, नवलखा मंदिर, सूर्य पहाड़ मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, इसे याद डेफिनेटली रखना है क्योंकि तो शैतान की गुफा कही जाती है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि तो शैतान की गुफा है और मुझे ये बताना था आपको, ये एग्जाम में पूछा भी जा रखा है, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा रखा है, इसलिए ये आपको पता होनी चाहिए। मार्तंड सूर्य मंदिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी अभी न्यूज़ में भी था ये मार्तंडेय सूर्य मंदिर, अच्छा, ठीक है, किसी किस कारण से न्यूज में था, वही ये जो भी उसे आर्किटेक्चर जो भी वो मंदिर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था ना कि मंदिर तोड़ तोड़ कर बनाया जा रहा है कहीं हाँ पर, हाँ तो उसी में था कि हिंदूज कुछ पंडित लोग थे जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ जाके यहाँ पे किया था, और अच्छा, वो हैदर मूवी से रिलेटेड कुछ वो कॉन्सेप्ट को लेकर था मतलब न्यूज में। ओके ओके, मुझे आइडिया हो नहीं। गया 2-3 2-3 मंथ्स हो गए जब वो वाला चल रहा था ना तेजो महल ताजमहल वाला, हाँ उसी हाँ टाइम पे आया था अभी। ऑल राइट ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। तो ये है सूर्य मंदिर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अगर करंट अफेयर्स में है तो फिर डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है दोबारा से। तो ये है आपका पूरा मेडिवल आर्किटेक्चर, ठीक है। अब ना कुछ डांस फॉर्म है ये भी मेडिवल टाइम में, और कुछ पेंटिंग्स है वो भी मेडिवल टाइम में काफी ज्यादा फेमस हुई है, इंडियन पेंटिंग्स के ऊपर आते हैं। देखो ये पेंटिंग पेंटिंग होता रहा हमेशा से, ठीक है, मुगल टाइम में। सबसे पहले तो ना यहाँ पे हम भीमबेटका का पढ़े थे, ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में पेंटिंग है ना। उसके बाद फिर लेपाक्षी मंदिर वगैरह में भी है, जब हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे टेम्पल आर्किटेक्चर उसमें भी देखा था। तो हमारे यहाँ ना परंपरा हमेशा से रही है पेंटिंग की, ठीक है, इसमें अलग अलग रूप भेद होते हैं, ठीक है, उससे आगे फिर प्रमाण होते हैं अलग अलग की, मतलब किस प्रोपोर्शन में किसे रखा जाएगा, ठीक है, भाव अलग अलग होता है, अलग अलग की मतलब हरा कलर कौन सा भाव दर्शाएगा, लाल कलर कौन सा भाव दर्शाएगा, पीला कलर कौन सा भाव दर्शाएगा। हम जब कथकली देखेंगे उस टाइम पे भी हमें ये स्पेशली देखने को मिलेगा कथकली में, ठीक है, वो डांस फॉर्म है लेकिन, तो कथकली में भाव सब देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे भाव देखने को मिलता है। फिर साथ में इमोशंस, इमोशंस लावण्य कहते हैं उसे, लावण्य, ठीक है, लावण्यता, ठीक है। उसके बाद फिर लाइकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट जो मतलब एक जैसा है उसे कहते हैं सदृश्यम, सदृश एक सदृश है, ये इसकी हमारे सदृश है, मेरे जैसा ही है ये, ठीक है, वो है। उसे फिर कलर को एक कलर को दूसरे कलर में मिला करके क्या बनाया जाता है, वर्णिक भांग, वर्णिक भांग, बेसिकली अलग अलग कलर मिला करके अलग कलर बनाया जाना। जैसे कि अगर हम लाल को और पीले को मिलाए तो कौन सा कलर बनेगा, लाल और पीला मिलाए तो कौन सा कलर बनेगा, बताओ बताओ, ऑरेंज, ऑरेंज, हाँ पिंक, ठीक है, ऑरेंज। हाँ, एग्जैक्टली, तो ये चीज है, ठीक है। अब देखो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हम लोगों ने देखा था, ये सब हम लोग देख चुके थे, ठीक है, मेसोलिथिक की पेंटिंग सब देख चुके थे। देखो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की आदमी है वो जानवर को मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, हाथी को बैटल सीन दिखाया गया है, तो ये आपको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, ये सब आपने देख चुका है। ब्राह्मी का यूज हुआ करता था उस टाइम, बाद में होने लगता था, हालांकि उस टाइम प्री हिस्टोरी में नहीं था, हिस्टोरिक टाइम में होने लग गया था, जो कि महाराज की गुफाएं वगैरह ये सब हम लोगों ने देख ली थी, भीमबेटका की गुफाएं सब हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है। म्यूराल पेंटिंग, अब देखो यहाँ पे ना इंडियन पेंटिंग को दो भागों में बांटा जाता है, पहला है म्यूराल पेंटिंग, दूसरा मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। क्या होता है कि जो अगर दीवार पे कुछ किया गया है सॉलिड स्ट्रक्चर पे तो उसे कहा जाएगा म्यूराल, और अगर कोई छोटे से कैनवास के ऊपर बनाया जाएगा तो उसे कहा जाएगा मिनिएचर, ठीक है, ये आपको बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना है, ठीक है। म्यूराल पेंटिंग हो गया दीवारों पे होता है, अब जैसे लिपाक्षी मंदिर में अगर किया गया है तो हो गया म्यूराल पेंटिंग, भीमबेटका का हो गया तो म्यूराल पेंटिंग, ठीक है। अब यदि आप कोई ड्रॉइंग बनाते हो किसी कागज के ऊपर किसी छोटे से कैनवस के ऊपर, वो आपका हो जाएगा मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा कहाँ कहाँ पे हमें म्यूराल पेंटिंग देखने को मिलती है, अजंता की गुफाओं में, आरामलाई की गुफाओं में, रावण छाया आपने बताया था, रावण छाया है, बाघ की गुफाएं हैं, सिरकानवासल केव है, कैलाश मंदिर है, ये सब आपको करवा चुका हूँ मैं, ठीक है, ये सब आपको मैं करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, म्यूराल पेंटिंग, ये सब हम कर चुके हैं। ये देखो अजंता पेंटिंग इस प्रकार की को दिखा करती थी, ठीक है, आप देख लो।
जातक की स्टोरीज, सब मतलब आज जातक की स्टोरीज वहां पे डिस्क्राइब किया गया है, अलग अलग बातों के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, इन सब को दर्शाया गया है। अब फिर रिविजन करना पड़ेगा, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है इसमें, ठीक है। एलोरा की पेंटिंग कुछ इस प्रकार की दिखती है, ठीक है। इसमें एलोरा की केव के बारे में बताया था, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म तीनों का इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ नयापन है इस चीज में। भगवान लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की इसमें होगी इमेज, भगवान शिव की इमेज होगी, उनके फॉलोअर्स की इमेज होगी, यही सब चीज है। बाग के पेंटिंग सब आप देखेंगे, सब एंशियंट हिस्ट्री का, हम सब देखेंगे, इसलिए इसे हम ज्यादा नहीं करेंगे। रावण साया कहाँ पे है? कोई जवाब नहीं देगा। फिर नाम से तो पता लगा श्रीलंका में। हाँ बताओ, श्रीलंका में इसे नजर आ रहा है। रावण छाया कहाँ पे है? तुमने छाया से पूछा, छाया छाया सोच रावण के साथ नाम जोड़ दिया मेरा। हाँ बोलो, पूछ रहे हो बता, उड़ीसा में। मैं पूछ रही हूँ कि पूछ रहे हो या बता रहे हो। हाँ वो तो ओडिशा पे है, पर मुझे नहीं पता ना, मुझसे पूछ रहे हो आप, मजाक के टोन में बोल रहे हो। हाँ मैं पूछा ना, रावण छाया कहाँ पे, रावण छाया कहाँ पे है? तो पूछ ही रहा हूँ मैं, ठीक है। बुरा मत माना करो मेरी बातों पर, ठीक है, मैं ऐसी मजाक करता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, मिनिएचर पेंटिंग जो है, मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत होती है मुगल के टाइम पे, ठीक है। बेसिकली मुगल के टाइम पे ना मिनिएचर पेंटिंग बनाना शुरू होता है। उससे पहले हम लोग म्यूरल पेंटिंग किया करते थे, ठीक है, दीवारों पे। तो मिनिएचर पेंटिंग देखो ऐसा कुछ होता है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी ना कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन हम लोग देखते हैं। हालांकि ये सब चीज आपको मैंने कहा पढ़ के आने के लिए पूरा मेडिवल टाइम का, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते तो मुझे करवाना पड़ रहा है जबरदस्ती का। देखो, 25 स्क्वायर इंच के उस पे बनेगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा कैनवस अगर होगा 25 स्क्वायर इंच का, तो उसे हम लोग नहीं कहेंगे कि ये मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। तो इसका इस साइज में होना आवश्यक है। सब्जेक्ट जो होगा एक्चुअल पेंटिंग का, ये 1/6 के एक्चुअल साइज से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर आपका सपोज 6 फीट के आदमी हो, तो आपको मिनिएचर पेंटिंग में इंसान की फोटो आपकी हाइट जो है 1 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि इसका रूल है, अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपकी जो इमेज है वो 1 फीट से ज्यादा की नहीं दिखाई जानी चाहिए, ठीक है। ये रूल है, ये मैक्सिमम हाइट है, छोटा होगा उतना अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। एडल्ट हाइट जो है 9 इंच का होता है, तो उसे 1.5 इंच से ज्यादा ऊंचा नहीं दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। 1.5 इंच से ज्यादा नहीं दिखाया जाना चाहिए, ये सब चीज है। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जैसे कि बल्जिंग आईज, अब देखो आंख इसमें बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। नाक जो है वो पॉइंटेड नाक है, पतली पतली कमर इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा, ब्राउन मुंडे। क्या मैसेज आया, कितनी देर में वाइंड अप होगी क्लास? आपकी मर्जी है, जब करवाना चाहो वाइंड अप, ठीक है। क्योंकि मैं तो इसके बाद ये टॉपिक को उठाऊंगा नहीं, कल से इकोनॉमिक शुरू होगी, उसके बाद आपको पेंटिंग खुद से पढ़ना पड़ेगा, डांस खुद से पढ़ना पड़ेगा, म्यूजिक खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं से इसके बाद तो उठाऊंगा नहीं, तो जितने देर आपको रहने का मन उतने रहो, उस बाद इसे तो वाइंड कोई अप। नहीं, आप तो विद्यानंद को कृपा दो, फिर मैं 6 बजे लीव करती हूँ, फिर मैं बाद में वीडियो से देख लूंगी। मतलब वैसे भी करवा पाना बहुत मुश्किल है, मैं आधा घंटा मुश्किल से रुक सकता हूँ, उसका तो नहीं रुक सकता मैं। हाँ, मतलब मेरी क्लास है ना, इस वजह से। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं, आपको जब तक लगता है तब तक रुको, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। ओके तो फिर इसकी बल्जिंग आईज है, ठीक है, ब्राउन मुंडे, ठीक है। कृष्ण का कलर ब्लू दिखाया गया है, आंख का कलर, हेयर का कलर ब्लैक दिखाया गया है, तो ये सब चीज है, ठीक है। इसकी फीचर्स है, मिनिएचर इनिशियल लेवल पे पाला स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलता है, और अभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलता है। पाला, गोपाल, धर्मपाल, हम लोगों ने पढ़ रखा है सब कुछ, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें देखने को मिल जाता है मिनिएचर पेंटिंग, जो मैंने कहा कि मुगलों के टाइम पे शुरू हुआ, मुगलों के टाइम पे इवॉल्व हुआ है, लेकिन उससे पहले ही पाला स्कूल ऑफ आर्ट का आर्किटेक्चर में देखने को मिल जाता है। देखो पाला स्कूल ऑफ आर्ट, पाला इस प्रकार का मिनिएचर पेंटिंग किया जाता था, ठीक है। इस टाइम पे क्या, ऑब्वियसली बुद्धिज्म को वो लोग प्रमोट करते थे, तो बुद्धिज्म के इसमें थीम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये चीज है। अब भ्रमशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ पे देखने मिलेगा, आर्ट कहाँ पे देखने मिलेगा, गुजरात में और मेवाड़ के रीजन में। इसमें जैनों के ऊपर बहुत ज्यादा देखने को मिला है, ठीक है, और पाम लीव्स के ऊपर बनाया जाता था, पत्तों के ऊपर बनाया जाता था, और इसके बहुत छोटे 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 होते थे इसके डिजाइन, ठीक है। ये देखो, ये अब भ्रमशा स्कूल ऑफ आर्ट की डिजाइन है, ठीक है। इस प्रकार से बनाया जाता था, भगवान की पूजा कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई महादेव की पूजा कर रहा हो, महादेव को हाथ जोड़ के खड़ा हो, या दुर्गा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो, जो भी है, ठीक है, ये चीज है। इसके पीछे डबल चिन है, उसके बाद पे फ्रेंडशिप बल्जिंग आईज है, आंख इसमें ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल जाएगा, मछली की तरह देखने को लग रहा है। इसके आंख को देखो कैसा देखने को लग रहा है, कि क्या है इसका आंख, मछलियों की तरह, ठीक है। मछली ऐसा होती है, मछली कैसी होती है, ऐसे ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना उसे, ऐसे ऐसे
ऐसे बनाते हैं। तो ऊपर का पोर्शन देखो, ऊपर का पोर्शन जैसा वैसा ही है मछली, मछली की तरह आंख है इसकी, ठीक है। नाक इसका उभरा हुआ है, ऐसा ऐसा नाक खड़ा है इसका, ठीक है। पतली कमर है इसकी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। डबल चिन है, जैसा हम लोग का होता है डबल चिन वैसा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें, एंगुलर फेस है इसका, ये सब चीज है, ठीक है। और पढ़ लेना कि मतलब इनलार्ज हिप्स है, हिप्स इसके इनलार्ज है, ब्रेस्ट इसके चौड़े चौड़े हैं, ये सब दिख लेना, यही बताऊंगा ये सब आपको। फिर ना डक्टन में इसका बड़ा ही वो चेंज होता है, ये देखो, ये देखो डक्टन का आर्किटेक्चर ऐसा होता है, ट्रांजिशन फेज का इस प्रकार का कुछ। या आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास उतना टाइम नहीं कि आपको ये सब चीज करवा पाऊंगा, ज्यादा इसमें है नहीं कुछ। आपको खाली से पढ़ करके एक रीडिंग मारनी है, एक रीडिंग में आपको ये सब चीज हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर बना करता था ये, देखो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ये है पेंटिंग, ठीक है। इसमें क्या है, आपको राज्यसभा दिखाया जा रहा है, आपका राज्यसभा के बीच में होता हुआ काम सब दिखाया जा रहा है। मुगल के एरा का, आपको मुगल के एरा का इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मुगल एरा का इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखो यहाँ पे क्या है, अर्ली मुगल पेंटिंग से, अर्ली मुगल, यहाँ पे सुल्तान बैठा हुआ है ऊपर और अगल बगल उसके दरबारी वगैरह सब बैठे हुए हैं। हुमायूं के टाइम पे ये शुरू हो गया था। हुमायूं जो है ना, बाबर जो है, बाबर ही बिजार नाम के पर्शियन आर्टिस्ट को लेकर आता है अपने साम्राज्य में और कहता है कि तुम यहाँ पर पेंटिंग करो। बिजार वहां का फेमस आर्टिस्ट था, ठीक है। तो बिजार को लेकर के आता है और उसके यहाँ पे अकबर उस्ताद मंसूर को लेकर के आता है। जैसे ये बिजात को लेकर के आता है, वैसे अकबर जो है ये उस्ताद मंसूर को लेकर के आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर दसवंत और बसवंत नाम का होता है, इसमें पता नहीं आगे दे रखा है कि नहीं, दसवंत और जसवंत नाम का होता है, दो हिंदू उसे वो रखता है पेंटिंग करने के लिए, कौन अकबर, ठीक है। ये आपको रीड करना है, दे रखा होगा, आई डोंट नो, देखता हूँ। तो ऐसा तूतीनामा इस प्रकार का बनाया गया, तूतीनामा लिखा गया, तूतीनामा की पेंटिंग कुछ इस प्रकार की है। इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको क्या है। हाँ देखो, दसवंत, बसवंत और केशव, ये तीन इसके दरबार में इंपॉर्टेंट लोग थे जो पेंटिंग क्या करते थे, ठीक है। क्या क्या, कौन कौन सा बना था मैन्युस्क्रिप्ट, तूतीनामा, हमजानामा, अंदर ए सुहाई, सुहैली, गुलिस्तान ऑफ सादी, याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, तूतीनामा और हमजानामा ये दो याद रखेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तूतीनामा, हमजानामा और दसवंत, बसवंत और केसु, ये नाम आप याद रखना। ये कोर्ट इनके थे, इनके कोर्ट में थे अकबर के कोर्ट में, ठीक है। जहांगीर के टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हो गया। यहाँ पे क्या है, ये लोग सोरा फोना को काफी ज्यादा प्रमोट करने लग गए, ठीक है। इंडिविजुअल की जो पोर्ट्रेट है इंसान की, वो भी यहाँ पे बनने लगी थी काफी ज्यादा स्तर पे। हालांकि इस्लाम में शक्ल बनाना हराम है, ठीक है, इंसान को बनाना हराम है, जानवर को बनाना हराम है, पर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल जिब्रा की यहाँ पे बन रही है, ये फोटो जिब्रा की फोटो आपको नजर आ रही है। और इसके टाइम पे ना उस्ताद मंसूर, जो मैंने कहा उस्ताद मंसूर जो है ये इसके टाइम पे था, जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। आप पढ़ लेना, इसमें दे रखा है। शाहजहां के टाइम पे क्या है कि आर्टिफिशियल एलिमेंट घुसने लग गया यहाँ पे, अभी तक नेचुरल चीज था। आप जितना भी देखे होगे, या तो कोर्ट का फोटो नजर आएगा कि दरबार में कैसे क्या चल रहा है, या फिर आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से कोई हंट कर रहा है, या फिर आपको नजर आएगा क्या कि जिब्रा, या फिर आपको कोई नेचुरल चीज यहाँ पे। लेकिन क्या है, शाहजहां के टाइम पे आर्टिफिशियल एलिमेंट घुस जाता है क्योंकि यूरोपियन इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ने लग गया, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो इससे इसी सब चीज से अलग करती है, यहाँ पे ना चारकोल का इस्तेमाल होने लग गया, ठीक है। पहले क्या होता था, पेंसिल का इस्तेमाल होता था, ठीक है। लेकिन अब पेंसिल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब चारकोल का इस्तेमाल होने लग गया। पहले अलग अलग चीजों से बनाया जाता था, अब जो है पेंसिल से बनाया जाने लगे, चारकोल से बनाया जाने लगे। दूसरा क्या है, यहाँ पे लोगों के पास सोना चांदी काफी आ गया, तो पेंटिंग में लोग सोने चांदी का भी इस्तेमाल करने लग गए। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट खास बात हमें देखने को मिलती है इसके टाइम पे। ये मत सोचा कि जहांगीर के टाइम पे, क्योंकि जहांगीर ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया था, नहीं, ये काम जो है चारकोल का इस्तेमाल और गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल शाहजहां के टाइम पे हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको डिस्टिंक्शन ध्यान में रखना है। बेसिकली कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो कंसेप्ट मैं आपको सारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज है, आर्टिफिशियल एलिमेंट शाहजहां के टाइम पे घुसा, क्यों घुसा, क्योंकि यहाँ पे इसे इन लोग का देखने को मिला, यूरोपियन इन्फ्लुएंस। औरंगजेब के टाइम पे इसको बिल्कुल तरीके से बंद करवा दिया, कहा जो कि सब आराम है, इसके तरीके कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हो गया। अब आते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। राजस्थानी जो है ये गंगा जमनी तहरीर यहाँ पे देखने को मिलती है कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है। इसे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग को राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। पहला मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। क्या है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखो यहाँ पे ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है। जैसे देखो तमाशा पेंटिंग, तमाशा पेंटिंग जो है ये कहाँ का है, मेवाड़ का, ठीक है। तमाशा पेंटिंग अगर कोई, और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, मैक्सिमम आपको ये रिलीजियस इन नेचर दिखाई देखने को मिलेगी, सबकी सब धार्मिक देखने को मिलेगी आपको, कृष्ण भगवान का, राम भगवान का, या और कुछ मतलब इस टाइप का जिसमें कि भगवानों का उल्लेख हो रहा हो। तो राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग पूरी भगवान के ऊपर आपको देखने को मिलती है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम आपको भगवानों के ऊपर देखने को मिलती है। थीम आपका होगा रामायण का, महाभारत का, भागवत पुराण का, रागमाला का, इस प्रकार का थीम होगा, ठीक है। तो ये आपको सब में कॉमन होगा, अगर आपको किसी में दे तो ना, हाँ ये सब में है, सब में है। तो तमाशा पेंटिंग, तमाशा पेंटिंग किसका है,
ये कोर्ट का सेरेमनी दिखाता है कि कैसे वहां पे तमाशा चल रहा है, ये बात नहीं मान रहा है उसकी, स्वीकार नहीं कर रहा अकबर की सुजरनिटी मेवाड़, बेसिकली मैं आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, तमाशा पेंटिंग। अम्बेड और जयपुर का स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, इसे धुंधार भी कहा जाता है, ठीक है, बेसिकली आप ये दमदार का दमदार पेंटिंग है, जयपुर की पेंटिंग, और इसमें बड़ा ही सुंदर सुंदर बनाया जाता है। आप जयपुर का पैलेस कभी देखना, सर्च करना आज भी, बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही वहाँ पे बड़ा ही सुंदर बना रखा है, जैसा आप कहते हो ना कि दुबई का आपको देखने को मिला, दुबई के शेख का, वैसा ही बड़ा जबरदस्त तरीके से जयपुर के महाराज का भी आज के टाइम पे भी बना हुआ है उन लोग का महल, आप यूट्यूब पे देख सकते हो उसका ट्रेवल व्लॉग, लोग का बना के डाले होता है, बड़ा सुंदर सुंदर होता है, ठीक है। अम्बेडकर का ये है, ये भी भागवत पुराण से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड, रागमाला सब है। सेम मारवाड़ का भी सेम होगा, मारवाड़ कहाँ पे है, जोधपुर बीकानेर में, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिलेगा, कलरफुल पेंटिंग वगैरह, ठीक है, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा, सबका सब धार्मिक है, सबका सब फूड से रिलेटेड है ये सब, ठीक है। और इसी में निकल करके आते हैं किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये देखो किशनगढ़ जो आपको ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बनी थनी नाम का एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग देखने को मिलता है, वो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग आता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, बनी थनी जो है किसका स्टाइल है, तो ये किसका है, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग, ठीक है, बनी थनी क्या है, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में आता है, ठीक है। निहाल चंद नाम के पेंटर थे, काफी फेमस थी, आप ध्यान रख सकते हो अगर याद हो पाए तो, ये बड़ी थनी इस प्रकार का मिलती है, ये बड़ी थनी है, ये लेडी बड़ी थनी, ये काफी बड़ी थनी है, बड़ी थनी के लिए, ठीक है। राधा कृष्ण का काफी ज्यादा, इसलिए आपको सब वही राधा कृष्ण देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा उसमें वैष्णविज्म का प्रचार किया है राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग में, ठीक है। बूंदी ऑफ स्कूल ऑफ पेंटिंग में अब जैसे देखो वहां पे क्या है हम लोग का, ये बड़ी थनी, ठीक है, किशनगढ़, यहाँ पे बूंदी में क्या है, हडोटी, हडोटी कहा जाता है, दो किंगडम को बूंदी और कोटा को मिलाकर हडोटी कहा जाता है, ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हडोटी कहा जाता है, दोनों सिस्टर स्टेट्स हैं, इन दोनों ने मिलकर के इसे डेवलप किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कृष्ण भगवान के डिवोटी दिखाया जाता है, कृष्ण भगवान का देखो यहाँ पे मयूर है, यहाँ पे कृष्ण भगवान है, रास लीला कर रहे हैं, सब में वही चीज आपको नजर आएगी, सेम टू सेम, ठीक है, सब में सेम फीचर। अच्छा मुझे ना एक बात बतानी थी, कल छूट गया था। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस दिया, कितना दिया, क्या दिया, पता है उस टाइम पे ना जब आक्रमण हो रहा था उस टाइम पे बड़ा ही फेमस लीजेंड, काफी फेमस एक मुहावरा बड़ा प्रचलित हुआ था, आपने शायद सुना हो कि ना सुना हो पता नहीं, मैं बताता हूँ, आप बताना, फिर सुना था कि नहीं। 12 वर्ष तक कुकुर जीवे, 12 वर्ष तक कुकुर जीवे, 13 जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे को जीवन धिक्कार। मतलब क्षत्रिय लोगों में, राजपूतों में इतना पॉपुलर हो गया था ये कि अपने आप को समझाते थे एक दूसरे को, कुत्ता 12 साल तक जीता है, सियार 13 साल तक जीता है, क्षत्रियों की आयु जो है ना 18 साल की है, अगर उससे ज्यादा कोई जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है, उन लोगों ने ये कह कह करके रेजिस्टेंस दिया है। वो आप सोचो कि हमें क्या उन्हें इस बात पे वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो रिस्पेक्ट, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे को जीवन धिक्कार, 18 साल की उम्र में मर जाते थे वो लोग सब, इतना भयंकर मारकाट होता था, इतना भयंकर रेजिस्टेंस इन्होंने दिया था। आज जो हम है इसमें सबका योगदान है, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, किसी को गाली नहीं देना चाहिए कि उसने ऐसा किया हुआ, ऐसा था, वो ऐसा था, बड़ाई गाली आजकल लोग देते हैं, तो वो सब चीज हमें नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको मुहावरा सुना, आई डोंट नो आपने सुना होगा कि नहीं, मेरा मन था सुनाने का इसलिए मैंने सुना दिया, ठीक है। राजपूत स्टाइल मुगल स्टाइल में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है भगवान का दिखाया जाता है, वहां पर भगवान का नहीं था, ठीक है, यहाँ पे इंसानों सबको दिखाया जाता है, वहां पे इंसानों को दिखाने परहेज होता था, हालांकि वो लोग भी दिखाते थे, ठीक है, ये सब चीज है। यहाँ पे हिंदू सिंबल्स का यूज होता था, वहाँ पे इस्लामिक सिंबल का यूज होता था, ठीक है, सिंपल सा, वहाँ पे जानवरों का यूज कभी कभी दिखा दिया तो दिखा दिया, अदरवाइज पेड़ पौधे फूल पत्ती का यूज हुआ करता था, ठीक है, तो ये चीज है। तो क्या किया था, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, एक्चुअली में पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को भी डेवलप किया था राजपूत तो नहीं, पर ये डिफरेंट हो गया है। बाय, थैंक यू, ऑल राइट, बाय बाय बाय। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग भी राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग में ही आता है, ठीक है, और इसमें दो इंपॉर्टेंट मेजर ग्रुप निकल करके आया, पहला बाशोली पेंटिंग, दूसरा कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। विद्यानंद आप सुन रहे हो, आपको मेरी आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर, हो रहा है, आवाज भी आ रही, क्लियर भी हो रहा। ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहा है, आपको एक बार इसे दोबारा से देखना पड़ेगा, रिवाइज खुद से पूरा पढ़ना पड़ेगा इसे, हालांकि ये यस सर, सारी थोड़ा इंपॉर्टेंट फास्ट चीजें हो जा रहा। चल रहा हूँ, बोलो। यस सर, यस, हाँ मैं बोल रहा हूँ फास्ट तो जा रहा है, लेकिन हो जा रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, मतलब पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग एक्चुअली ये भी राजपूत किंगडम की था, तो लेकिन इन्हें फिर भी राजपूत को अलग करके दिखाया जाता है, राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग अलग है और ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग अलग है, ठीक है। इसमें दो आता है बासोली पेंटिंग, और दूसरा आता है हमारा क्या, बासोली के बाद दूसरा क्या आता है हमारा, बासोली के बाद कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा और बासोली।
हाँ देखो ये भी मिनिएचर पेंटिंग, सेम चीज, बड़ी बड़ी आंखें होगी, एक्सप्रेसिव फेस होगा, सब सेम चीज है, इसमें कोई यहाँ नहीं है, ठीक है। रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, इसमें आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरी कलर्स, ठीक है। काफी ज्यादा ध्यान दिया गया, ये सब आप देख लेना, कोई ज्यादा नहीं है। कांगड़ा स्कूल जो है, ये देखो इसमें, यहाँ पे कांगड़ा स्कूल है, बड़ा फेमस है, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। गीत गोविंद से ही प्रभावित था, भागवत पुराण से प्रभावित था, बेसिकली कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा प्रभावित था कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो गीत गोविंद कौन थे, गीत गोविंद क्या है, गीत गोविंद क्या है, ये एक फेमस है, गीत गोविंद जो है कविता है, ठीक है। गीत गोविंद नाम की एक पूरी कंपाइलेशन है, और ये जयदेव ने लिखी थी, ठीक है, जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद, याद हो ना, आई डोंट नो, बट याद करना इम्पोर्टेंट है, जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद, और उन्हीं के आधार पे, गीत गोविंद के आधार पे यहाँ पर पेंटिंग सब की गई है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में, ठीक है। बारह मासा के, जैसे हम कहते हैं ना बारह मासा, तो बारह मासा के स्टाइल पे इसमें किया गया, तो ये कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर रंगमाला पेंटिंग, रंगमाला में क्या है, बेसिकली अलग अलग रागों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के जो राग है उनके द्वारा ये पेंटिंग किया गया, हर एक राग को अलग अलग कलर से डिफाइन किया गया है, अलग अलग मूड से डिफाइन किया गया। जैसे कुछ फेमस राग है, जैसे कि राग भैरव, राग दीपक, राग श्री, राग मलकोश, राग मेघ, राग हिंडोला, ये सब राग है कुछ, ठीक है। ये सब चीजें राजपूत खत्म हुआ पूरा स्कूल, राजपूत खत्म नहीं हुआ, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग खत्म हुआ। फिर मिनिएचर पेंटिंग साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कैसा होता था, इसमें देखो गोल्ड का, सोने का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था। क्यों होता था, आपने किसी जगह देखी वहाँ पे कोलार गोल्ड फील्ड है, वहाँ इस वजह से, साथ में वहाँ पे ट्रेड भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, इस वजह से ये सारी चीजें, इसलिए वहाँ पे गोल्ड ज्यादा है। इसमें कुछ पेंटिंग है जैसे कि तंजौर पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग जो है ये गोल्ड के द्वारा की गई है, ठीक है, काफी फेमस है, सुंदर है, शीशे के ऊपर, वुडन प्लैंक के ऊपर शीशे से कवर्ड बनाया गया है, ठीक है। इसे जीआई टैग भी दे रखा है, जीआई टैग क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि काफी टाइम से अगर प्रैक्टिस किया जा रहा है तो उसे कहते हैं जीआई टैग, उसे भारत सरकार जीआई टैग देती है, अगर कोई एक पर्टिकुलर रीजन में काफी टाइम से प्रैक्टिस की जा रही हो तो, ठीक है। तो ये चीज है, इसमें काफी सारे जेम स्टोन का भी यूज किया गया है, जेम स्टोन यानी रत्न, आपने देखा होगा कोई हीरा पहनता है, कोई माणिक्य पहनता है, कोई मूंगा पहनता है, कोई कंगा पहनता है, कोई मोती पहनता है, तो उसे जेम स्टोन कहते हैं, ठीक है। और इसमें भगवान का स्माइलिंग कृष्ण का यूज किया गया, देखो राधा कृष्ण, ठीक है, तंजौर पेंटिंग, ये काफी ज्यादा फेमस है, ये सोने का प्लेटिंग हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है तंजौर पेंटिंग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना एम्फसाइज करूँ उतना कम, तंजौर पेंटिंग। फिर है मैसूर पेंटिंग, मैसूर पेंटिंग में भी हिंदू गॉड गॉडेसेस का यूज है, ठीक है, उनको दर्शाया गया है, ये देखो ये देखो। इसमें कुछ खास बात है, क्या खास बात है, इसमें दो से ज्यादा फिगर है, एक तो देखो लक्ष्मी माँ है और साथ में हाथी है ना, तो दो से ज्यादा चीजें हैं, ऐसा है मैसूर पेंटिंग, और बेसिकली ये ज्यादा ब्राइट नहीं है पर ऐसा ही, जैसा भी ऐसा ही, तो ये बेसिकली आपका पेंटिंग रहा, ठीक है। पेंटिंग आपकी सारी कवर हो गई, क्या इसमें फोक पेंटिंग बच रही है, रुको, मॉडर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग में देखो राजा रवि थे, राजा रवि वर्मा, आज आप जितनी भगवान की फोटो देखते हो ना, जितना आपके घर में फोटो होगा, अगर कोई आपने देख रखा होगा, उन सब में सब इंस्पायर्ड है राजा रवि वर्मा से, और मैक्सिमम उसमें राजा रवि वर्मा ने ही बनाया है, ठीक है। तो चाहे भारत माता हो, वो राजा रवि वर्मा ने बनाया, आज मॉडर्न भगवान की जितनी फोटोज है सब राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है, जैसे वो ठीक। कैलेंडर कैलेंडर आर्ट में, मतलब कैलेंडर आर्ट का ये थे, वही कैलेंडर आर्ट शुरू किए थे राजा अच्छा, रवि वर्मा। ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट भी माने जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट भी माने जाते हैं, इन्होंने बहुत सारे अपनी हिस्टोरिकल थीम्स बनाए थे, दमयंती, शकुंतला, ये सब आपने नाम सुना होगा, ठीक है, रानी दमयंती, शकुंतला में दुष्यंत शकुंतला का नाम सुना होगा, ये सब उसी के टाइम पे उन्हीं के थीम पे बनाया गया था। फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो ये देखो नंदलाल बोस, बेसिकली ना भारत माता की इसमें बनाई गई, देखो स्टार्टिंग में भारत माता कैसी दिखती थी, देखो ये भारत माता है, ठीक है, ये हमारी भारत माता, स्टार्टिंग में भारत माता ऐसी दिखा देती थी, धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते हम उन्हें इस फॉर्म में देखते हैं जिस फॉर्म में हम आज देखते हैं, तो ये चीज है, ठीक है। ये बंगाल में बेसिकली बनना शुरू हुआ, ऑलराइट। क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखो, एम एफ हुसैन का नाम आपने सुना होगा, काफी ज्यादा वर्ल्ड फेमस अगर कोई पेंटर है तो एम एफ हुसैन, ठीक है, और ये एम एफ हुसैन जो है काफी ज्यादा, और इसके ऊपर वो भी है, आरोप भी है कि ये हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से पोर्ट्रेट करता था, और इसे तो हालांकि भारत सरकार ने अवार्ड भी दे रखा है बहुत बड़ा, लेकिन इसके ऊपर आरोप लगता है कि नग्न पेंटिंग, सब सरस्वती माता की नग्न पेंटिंग और बहुत गंदी गंदी पेंटिंग सब बनाता था एम एफ हुसैन, ठीक है, और इसे वर्ल्ड फेमस है ये, इसे बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड सब मिल रखे हैं, हो सकता है इसी वजह से मिले हो क्योंकि इसने हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक फोटो सब बनाई है, जो भी खैर। फोक पेंटिंग, अब मधुबनी पेंटिंग आपको पता है, मिथिला पेंटिंग है, ठीक है, आप बिहार का ही, आपको पता होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार की दिखती है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। सीधा सीधा पूछा जाएगा मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग कहाँ की है, तो मधुबनी की यानी मिथिला की है, नॉर्थ बिहार की है, ठीक है। मछलियों जैसी आंख है इसमें, फर्टिलिटी को शो करता है, और बेसिकली आपने देखा होगा, आप बता सकते हो क्या क्या इसका फीचर्स है, ठीक है, कोई शेड नहीं किया जा सकता, टू डायमेंशनल होता है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल पेंटिंग नहीं होती है,
जीआई टैग भी से मिल रखा है। फिर टिकुली आर्ट, टिकुली आर्ट जो है ये भी बिहार का ही आर्ट है, इसमें भी अलग अलग शेप में बनाया जाता है, देखो इस टाइप का टिकुली आर्ट, और ये बेसिकली मधुबनी पेंटिंग जो है इस प्रकार से टिकुली पेंटिंग को मिक्सचर किया गया है, ठीक है, मधुबनी टिकुली पेंटिंग है ये, लेकिन ये मधुबनी स्टाइल में बनाई गई है। टिकली मतलब क्या होता है, हमारी बिंदी, जो हमारी माँ बहन पहनती है, लगाती है सर में, वो क्या है बिंदी, उसी के स्टाइल में। पटलचित्रा पेंटिंग, देखो इसमें सीधा सीधा क्या याद रखना है, कौन सी पेंटिंग कहाँ पे है, ठीक है, तो पटलचित्रा उड़ीसा की है, पटलचित्रा कहाँ पे, उड़ीसा की है। ये भगवान जगन्नाथ है, ठीक है, भगवान जगन्नाथ जो है ये आपको देख लो, भगवान जगन्नाथ है, साथ में सुभद्रा उनकी बहन है, ये उनके भाई बलराम है, ये इकलौता आपको भगवान भगवान जगन्नाथ को मिलेगा जहाँ पे तीनों भाई बहन एक साथ रहते हैं। ये जनरली हम लोग देखते हैं राधा कृष्ण, किंतु भगवान जगन्नाथ के केस में देखते हैं कि तीनों भाई बहन रहते हैं, सुभद्रा, बलराम और कृष्ण, तीनों की पूजा यहाँ पे होती है। तो उन्हीं का पट्टचित्र, पट्ट के ऊपर चित्र बनाया जाना, ठीक है, एक क्लॉथ के ऊपर, पेंसिल का या चारकोल का इसमें यूज नहीं होता, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। और ठीक है, फिर पटुआ आर्ट जो है ये बंगाल का, पटुआ, ठीक है, पटुआ आर्ट इसका है, बंगाल का है। सब में आपको देवी देवताओं की थीम मिलेंगे, इसलिए नॉर्मल है, कोई बोल नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसे बनाने वाले मैक्सिमम जो है नहीं मुस्लिम्स हुआ करते थे, ठीक है, फिर भी वो लोग देवी देवताओं का बनाया करते थे, पटुआ आर्ट ये है, ठीक है, अलग अलग अपने रिलीजियस स्टोरीज के ऊपर बेस्ड ये चीज है। पिटकार पेंटिंग सब आप रीड करना है, समझाया जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, पिटकार पेंटिंग झारखंड में है, ट्राइबल्स लोग के द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है ट्राइबल्स लोग के द्वारा, और इसमें बेसिकली ना अपने जो उनका अपना प्रॉपर गॉडेस है, अपनी उनकी जो गॉडेस है माँ मनसा देवी, उसकी ये लोग पूजा करते हैं, उसके ढोल नगाड़े बजा करके उनका वो करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा कुछ है, कभी कभी सेक्युलर थीम में दर्शाया जाता है कि कैसे ह्यूमन लाइफ से डेथ तक का पूरा वो सीन होता है, वो सभी दर्शाया जाता है, पर ये चूंकि ट्राइबल है, इसे कोई संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, ये समाप्त होने वाला है। फिर अगला कलमकारी, कलमकारी कलम से कलाकारी करने वाले कलमकारी, इसमें की बांस से बनाया जाता है, बांस का जो लकड़ी होता है उसको शार्प किया जाता है, कॉटन फैब्रिक के ऊपर बनाया जाता है, कलमकारी की जाती है पेंटिंग, कहाँ पे होता है कलमकारी, तो होती है आंध्र प्रदेश में, देखो कितनी सुंदर ये लोग बनाते हैं पेंटिंग, ठीक है, ये विजयनगर एम्पायर में काफी ज्यादा फेमस हुआ कलमकारी पेंटिंग, जो मैंने बताया था कृष्ण देव राय, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी के थे कृष्ण देव राय, बता सकते हो, याद है, अराविडु डायनेस्टी सर, वाले, तू पीयूष से बोल सलुवा, रहा है? तुलुवा, तुलुवा, हाँ, तुलवा। तुलुवा, ठीक है, यस सर, तुलवा। मैंने विजयनगर में चार डायनेस्टी बोली थी, कौन कौन सी डायनेस्टी बोली थी बताओ, याद करवाओ, सर एक तुलवा ही याद है इनके नाम से, अब भूल रहा हूँ ना। संगम, पहला संगम, दूसरा यस सर, सलुवा, दूसरा यस सलुवा, सर। तीसरा तुलुवा और चौथा अराविडु, अराविडु, ठीक यस सर। है, याद रखो। तो ये बेसिकली कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। वर्ली पेंटिंग की बात करें तो वर्ली पेंटिंग गुजरात की है, वर्ली पेंटिंग देखो इस प्रकार की दिखती है, ठीक है, अच्छा आपको लगेगा कि इस प्रकार का तो इंसान हम लोग अपने घर में भी बनाया करते हैं, घर के बाहर अपना बनाया करती थी अपना डिजाइन, आपके उधर होता है ऐसे पेंटिंग कुछ इस प्रकार की? सर दशहरा में नजर नहीं लगे काजल से और सिंदूर से, हाँ, तो ऐसे गुजरात करता महाराष्ट्र, हूँ। एग्जैक्टली, गुजरात महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, यही दीवारों पे ही की जाती है, ट्रायंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल और सर्कल शेप में, तो ये चीज है। फिर है ठंड का पेंटिंग, ठंड का, ठंड की पेंटिंग कहाँ पे मिलेगी, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के रीजन में, ठीक है, ठंड का पेंटिंग, ऐसे याद करो, ठंड का पेंटिंग, ठंड का पेंटिंग होगा कि ठंड का पेंटिंग, ठंड का जहाँ पे ठंड होगी वहां पे सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के रीजन में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, ये बुद्धिस्ट चीज को काफी ज्यादा पॉपुलर करता है, ठीक है, बुद्धिस्ट थीम पे ये बनाया गया है, तो ये चीज है ठंड का, ठीक है, ऑलराइट, ये देख लो आप, थंका पेंटिंग कुछ इस प्रकार की दिखती है, थंका पेंटिंग। फिर मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग बिहार भागलपुर से आती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की दिखती है मंजूषा पेंटिंग, ठीक है, इसमें सांपों का यूज होता है, देखो सांपों के शेप में बनाया जाता है, ये कितने सारे सांप है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ये देखो, ये सांप, ठीक है, इंसान की शक्ल भी सांप रूप में, हाथ भी सांप रूप में, हाथ भी सांप रूप में, प्रॉपर इधर भी सांप, इधर भी सांप, पूरा सांप 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 सांप, ठीक है, स्नेक पेंटिंग भी इसे कहा जाता है इसलिए, ठीक है, अंगिका में, अंगिका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, कैसे याद कर सकते हो, देखो ऐसे याद करो कि जब अर्जुन से कर्ण की लड़ाई हो रही थी ना, तो कर्ण के पास नाद आता है, कहता है कि आप मुझे अपने तीर पे रख लो, अपने धनुष से मुझे संधान करो और मैं उसे मार दूंगा अर्जुन को, तो पहले तो मना करता है कर्ण, कहता है नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, हम लड़ाई करते हैं इस प्रकार से, नीति से ऐसे तुम्हारा तो मैं प्रयोग नहीं कर सकता,
फिर भी उसका कहने पे कि उन लोगों ने मेरी खानदान कष्ट को जला दिया था, मेरे वंश को समाप्त कर दिया था, तो प्लीज मुझे एक अवसर दो, एक अवसर दो। इसलिए कर्ण ने यूज किया था, ठीक है। इसलिए कर्ण कहाँ का था, अंग देश का राजा था, तो इसे अंगिका, अंगिका के क्षेत्र में, तो इसलिए क्या हो गया, भागलपुर के क्षेत्र में अंगिका बोली जाती है, इसलिए हो गया स्नेक पेंटिंग, याद रखने के लिए बोला मैंने। फिर फाड़ पेंटिंग, मतलब राजस्थान की पेंटिंग तो फाड़ पेंटिंग होती है, जबरदस्त पेंटिंग, तो फाड़ पेंटिंग, ठीक है। ये देखो इस प्रकार की पेंटिंग होती है, ठीक है, देखो कैसी होती है, सिंपल। चेरिल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना का है, ठीक है। पिथौड़ा पेंटिंग जो है, राय पिथौड़ा। अच्छा राय पिथौड़ा किसे कहा जाता है पता है, राय पिथौड़ा? नहीं पता। तो जब मैं पृथ्वीराज चौहान को बता रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता है राय पिथौड़ा, क्योंकि तो पिथौड़ा के उन्हें राजा माना जाता है, कि पिथौड़ा गढ़ के राजा, तो पिथौड़ा पेंटिंग है ये, ठीक है। तो पिथौड़ा पेंटिंग कहा कि गुजरात मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और इसमें एनिमल को जो सबसे ज्यादा डिपिक्ट किया जाता है वो घोड़ा, ठीक है, राय पिथौड़ा, राय पिथौड़ा, ठीक है। पिथौड़ा पेंटिंग हमने देख लिया, घोड़े को इसमें काफी ज्यादा दर्शाया जाता है पिथौड़ा पेंटिंग में। फिर शौर पेंटिंग, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में एक और हम लोगों ने देखा था क्या, पट्टचित्र, ठीक है, पट्टचित्र भी उड़ीसा में हम लोगों ने देखा था। अभी दूसरा देख रहे हैं क्या, शौर पेंटिंग, ठीक है। ये बेसिकली वॉल के ऊपर म्यूराल पेंटिंग की जाती है शौर ड्राइव के द्वारा, ठीक है। ये ऐसा कुछ दिखता है शौर ड्राइव, ठीक है, ऐसा देख लेना कैसा दिखता है, चेक कर लेना। इसलिए आपकी पेंटिंग हो गया कवर, ठीक है। आपके पास कितना टाइम है ये बताओ। सर मेरे पास टाइम तो टाइम ही टाइम ही टाइम है, ठीक सर। है, ऑल राइट। डांस फॉर्म पे आ जाते हैं, ठीक देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, ठीक है, जैसे कि भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम जो है बेसिकली तमिलनाडु का डांस है, और देवदासी जो होती थी वही से परफॉर्म किया करती थी। देवदासी मतलब कि कौन होती थी, जो कि वहां पे भगवानों के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाती थी, वहां पे वो डांस किया करती थी। तो देवदासी प्रथा जो है उसमें ये होता था, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, ठीक है। रुक्मिणी देवी ने इसे काफी ज्यादा पॉपुलर किया, इस प्रकार से कुछ होता है भरतनाट्यम, आपने देखा होगा। इसे और अच्छे समझने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लेना भरतनाट्यम, और एक वीडियो भरतनाट्यम के ऊपर देख लेना डांस करते हुए, कि कैसे सर डांस किया देख जाता रखा है हूँ ये, भरतनाट्यम। सर देख रखा हूँ। इस बार SSC हिस्ट्री में यही था, डांस अच्छा कल्चर मतलब पॉपुलर कल्चर था, तो ये सब पढ़ रखा हूँ। अच्छा तो फिर तब इसे इग्नोर कर दे, पूरा छोड़ दे, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक यस सर छोड़ सकते हैं, सब पढ़ा होगा। है, ठीक है। फिर तो ठीक है, ऑल राइट, हम लोग की क्लास खत्म हुई। आर्किटेक्चर हमारा पूरा, आर्ट एंड कल्चर हमारा पूरा समाप्त हुआ। थोड़ा बहुत जो बचा है आप खुद से देख लेना, और इसमें बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो नोट कर लो। जैसे कि डांस आपको इंपॉर्टेंट है, डांस आपको पता होनी चाहिए, आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। पेंटिंग आपकी होनी चाहिए, आर्किटेक्चर होना चाहिए, टेंपल आर्किटेक्चर हो गया, या फिर उसके अलावा फिर मेडिवल टेंपल आर्किटेक्चर, और उसके बाद फिर क्या है इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे पपेट्री जो है ये आपको पता होनी चाहिए, पपेट्री, ठीक है। जो इस प्रकार की पपेट्री होती है ये पपेट्री, ठीक है, इंडियन पपेट्री, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ये भी आपने रखा पपेट्री? नहीं सर पपेट्री नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो पपेट्री बेसिकली किसे कहते हैं, जैसे कि हम हाथ से कठपुतली का डांस जो हम कहते हैं ना, कठपुतली, वो इस प्रकार का होता है। तो ये है पपेट्री, तो एकदम इसका भी बहुत बड़ा ट्रेडिशन रहा है। जैसे कि अलग अलग प्रकार की पपेट्री है, देखो ध्यान से, इसमें आपको सिर्फ ना ये याद करना है कि कौन किस प्रकार की पपेट्री है, खाली आपको ये याद करना है। जैसे कि स्ट्रिंग पपेट्री है, जो कि स्ट्रिंग के द्वारा पकड़ती है, शेडो पपेट है, ग्लव पपेट है, और रॉड पपेट है। रॉड पपेट क्या होता है, ग्लव पपेट क्या होता है, इसे फटाफट हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रिंग पपेट क्या होता है, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ, यानी कि स्ट्रिंग से तार से लटका हुआ होता है, ठीक है। 8 से 9 इंच की लगभग मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर फिगर होता है, लकड़ी के द्वारा बना हुआ, उसे कहते हैं स्ट्रिंग पपेट्री। और इसी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें आंख, होठ, नोज, ये सब का सब इसमें देखने को हमें मिलता है, यानी कि प्रॉपर एक इंसानों की तरह इसे शक्ल दी जाने की प्रयास की जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि स्ट्रिंग को अटैच किया जा सके, और पीछे में अटैच किया जा सके, ठीक है। जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल है कठपुतली, आपने कठपुतली देखा होगा, कठपुतली नचाते हुए, है ना, ये आपने कभी सुना होगा, ये राजस्थान का है, काफी ज्यादा यह सब फेमस, देखा देखा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसके पैर नहीं होते, इस कठपुतली के पैर नहीं होते, ये भी चीज आपने नोटिस किया होगा, कठपुतली के पैर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, कठ मतलब कि लकड़ी, और पुतली यानी कि पुतली, ठीक है, तो कठ की पुतली, कठपुतली, ठीक है। कुंडई, कुंडई जो है ये उड़ीसा का है, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े लंबी लंबी स्कर्ट पहनी होती है इसमें, ठीक है, इसमें जॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं ताकि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। ये देखो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है कुंडई, ये देखो लंबा सा लहंगा पहन रखा है, ठीक है, और इसे जॉइंट्स बहुत सारे हैं ताकि अलग अलग जगह से बेंड किया जा सके, ठीक है।
जैसे इंसान बेंड हो जाता है ना अलग अलग जगह से, वैसे ये भी बेंड हो सकता है, किंतु इंसानों से भी ज्यादा, ठीक है। बेंडिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है, पूरे पाँव होते हैं इसमें, सब कुछ होता है, कुंडली कहाँ का है, उड़ीसा का, ठीक है। गोम्बी अट्टा, अब आपको ये ध्यान दिया, गोम्बी अट्टा कहाँ का, कर्नाटका का। तो अट्टा 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 जहाँ आएगा ना, गोम्बी अट्टा, थोमू भोमल अट्टा, जो भी आएगा वो सब आपको कर्नाटका से रिलेट करना है, ठीक है। तो अट्टा अट्टा कर्नाटका, ठीक है, रट्टा मार लो कर्नाटका का। ये देखो गोम्बी अट्टा इस प्रकार का है। बोम लट्टम, अब देखो ये लट्टा नहीं है, ये लट्टम है, लट्टम जो है तमिलनाडु, बोम लट्टम तमिलनाडु, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये रॉड और स्टिंग पपेट्री का मिक्सचर है, कंबाइंड है, और ये लार्जेस्ट और हैवीस्ट कहा जाता है। ये बोम लट्टम का जो पपेट होता है, ये सबसे बड़ा भी होता है, सबसे हैवीस्ट भी होता है, 4.5 फीट हाइट होती है, 10 किलो का ये वजन होता है इसका, बोम लट्टम, ठीक है, काफी बड़ा होता है, काफी हैवी होता है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे, तमिलनाडु, बोम लट्टम, सबसे बड़ा और सबसे हैवी, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है। अच्छा, फिर बात करें शैडो पपेट्री की, तो शैडो पपेट्री क्या है, आपको परछाई के द्वारा दिखाई जाएगी, यानी कि एक्चुअल में नहीं होगा, आपको खाली उसकी परछाई नजर आएगी। फ्लैट फिगर होता है, ठीक है, चमड़े का बना हुआ, और उसके बाद फिर दिखाया जाता है, जैसे तोगालू बोम्बी अट्टा, तोगालू बोम्बी अट्टा मैंने कहा था, अट्टा अट्टा मतलब कर्नाटका, ठीक है, तोगालू बोम्बी अट्टा कर्नाटका का, ठीक है, अलग अलग साइज होता है इसका। ये बेसिकली आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है, इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, पहले आपको शैडो नजर आती है इसकी पपेट्री, ठीक है। रावण छाया, रावण छाया कहाँ पे है, तो रावण, रावण छाया केस भी हम लोगों ने देखा था, गुफा, अभी रावण छाया ये भी आपको देखने को मिलता है क्या, बेसिकली पपेट्री, ठीक है, पपेट्री, ये भी वही है उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा में है। पपेट जो है ये हिरन के स्किन का बनाया जाता है, इससे कोई जॉइंट्स नहीं होते, और नॉन ह्यूमन पपेट्स जो होते हैं उनका भी यूज इसमें किया जाता है, बड़ा ही कॉमन यूज होगा। फिर थोलू बोम लट्टा, अब देखो फिर से बोम लट्टा आ गया, यट्टा नहीं है, लट्टा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, थोलू बोम लट्टा आंध्र प्रदेश। आपने गाना सुना बट्टा बोमा सुना है गाना, नहीं सर, अरे सुन के देखना, अल्लू अर्जुन का गाना है बट्टा बोम्मा, बड़ा ही फेम, बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था ये गाना, इसी कोई नई मूवी आई, अल्लू अर्जुन को तो जानते होगे, हाँ, यस सर, यस सर, तो अल्लू अर्जुन का ही गाना है बट्टा बोम्मा, अब ये सर्च करके देखना, बड़ा मजा आएगा सुनते, बड़ा ही मजेदार गाना है ये बट्टा बोम्मा। ओके सर, हाँ देखूंगा बास्केट, अभी क्लास हाँ क्लास के बाद देखूंगा अभी। के बाद देखना, पूजा हेगड़े है और अल्लू अर्जुन है, बड़ा बढ़िया का गाना, सुनने बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो बट्टा बोमा, तो थोलू बोम लट्टा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, और तेलुगु इंडस्ट्री का ही अल्लू अर्जुन को याद रहेगा, ये बोम लट्टा, बोम्मा, बोम्मा मतलब बेसिकली होता है क्या, बोम्मा लट्टा, बोम्मा का आई गेस मतलब होता है बास्केट, ठीक है, तो बट्टा बोम्मा आई गेस होता है बास्केट गर्ल, बास्केट में रहने वाली लड़की, तो ये बोमू लट्टा, ठीक है, बोम्मा लट्टा बास्केट होता है शायद, मतलब आप एक बार सर्च कर लेंगे, ठीक है। फिर ग्लव पपेट, ग्लव के द्वारा बनाया जाता है, ग्लव के द्वारा कैसे करते हैं, हाथ के एक्शन से, हाथ के डिजाइन से, ठीक है, हाथ का उसमें जो अलग अलग हम देखते हैं ना, आप स्कूलों में भी देखते होंगे, हाथ का कुछ ऐसा ऐसा हाथों का बना के दिया, ताकि उससे चिड़िया नजर आ रही है, कभी कभी आपको प्लेन नजर आ रहा है, कभी आपको हाथी नजर आ रहा है, तो वो ग्लव पपेट्री होती है, ठीक है। जैसे कि पावा कुथू केरला का है, पावा कुथू, ठीक है, पावा कुथू केरला, कुथू केरला, कुथू केरला। तो रॉड पपेट्री की बात करें, तो रॉड पपेट्री ईस्ट इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है यमपुरी, यमपुरी बिहार में है, ठीक है। पुतुल नाच, पुतुल नाच जो है ये बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में है, पुतुल नाच, खाली आपको ये याद रखते कौन सा कहाँ पे है, तो पुतुल नाच यह है बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में, ठीक है, यमपुरी बिहार के क्षेत्र में, ठीक है। इसके कोई जॉइंट्स नहीं होते, यमपुरी के कोई जॉइंट्स नहीं होते इस पपेट्री के, खाली आप ये याद रखोगे ना, यमपुरी इज इक्वल टू बिहार, ठीक है, पुतुल नाच इज इक्वल टू बंगाल उड़ीसा, काम आपका बन जाएगा, रॉड पकड़ रही स्टैंडिंग का याद रखोगे काम बन जाएगा, पावा कुटू केला याद हो, मतलब तो रिलेट करना है, पावा कुटू सिर्फ इतना याद रखो केला, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज है, ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर हुआ कंप्लीट, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, जय ठीक है। ऑलराइट, आपकी मेडिवल हिस्ट्री पूरी हो गई कंप्लीट, अब बताओ क्या कहना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो मेडिवल हिस्ट्री के लिए।